हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल मस्ट बी फाइन। चलिए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, उसमें आपने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप एनसीईआरटी लेवल को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम थोड़ा लेवल चेंज करेंगे। उसके अलावा एक और यहाँ पे प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एपी, जीपी एंड एचपी तीनों का हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ आपको, 10th क्लास का, 11th क्लास का। nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑलरेडी यू नो इट। लास्ट टर्म इज सेम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम टू एन टर्म एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है तो सम टू एन टर्म कैन बी गिवन बाई एन बाई टू ए प्लस एन। एंथ टर्म इज एस एन माइनस वन। ये थोड़ा रिकेप था, दिस वॉज जस्ट रिकेप, रिकेप था और ये कुछ नहीं था, ठीक। अच्छा, आपने अब इसका अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ए ए प्लस बी बाई टू अर्थमेटिक मीन। इफ यू नो द टू नंबर्स ए एंड बी, उनके बीच का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू पढ़ा था आपने, ठीक है। और चलिए अब मैं इसका कुछ रिजल्ट, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। वो काम आएगा शॉर्टकट में, उसके बाद अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे और एन नंबर इंसर्ट करते हैं तो उसका डी का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। जब आप एन नंबर इसके बीच में, ए और बी के बीच में एन नंबर इंसर्ट करते हैं तो डी इक्वल टू इंसर्टिंग एन नंबर, आपको इंसर्टिंग, ऑलरेडी यू नो इट, इंसर्टिंग एन नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। तो हमारा उसका डी का फॉर्मूला होगा, डी का फॉर्मूला होगा बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, ठीक है। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी आपको जैसे मान लो एक नंबर ए और नंबर बी है, आपने इंसर्ट किया, वो पहला नंबर ए वन, दूसरा नंबर ए टू, तीसरा ए थ्री, ऐसे करते करते आपने एन नंबर इंसर्ट कर दिए सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन ए पी। तो कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। यह आपने 11th क्लास की एन चैट बुक में पढ़ा था, ओके। चलिए नाउ लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान रखना है, कुछ चीजें बड़ी काम आएगी शॉर्टकट में। ए एन इज एन, देखो कहीं कहीं आपको ए एन की जगह टी एन भी लिखा, टी एन मीन्स टी जनरल टर्म, ठीक है। ए एन टी एन कोई फर्क नहीं, आपको अपने एन साइड बुक में ए एन ए पी ऐसा लिखा है। ए एन मीन्स एंथ टर्म और ए क्यू मीन्स क्यूत टर्म। सो ए एन माइनस ए क्यू बाई एन माइनस क्यू और वो ए पी माइनस ए क्यू बाई पी माइनस क्यू के बराबर होता है, दिस इज ऑल्सो यूजफुल रिजल्ट। नाउ अभी देखो, पी टाइम में पीथ टर्म और क्यू टाइम क्यूत टर्म अगर इक्वल है तो दैट मीन्स पी प्लस क्यूत टर्म विल बी जीरो। कोई अगर बोले कि मान लो टेन टेन टाइम्स टेंथ टर्म इक्वल टू फाइव टाइम फिफ्थ टर्म होगा तो आपका फिफ्टींथ टर्म क्या होगा, दैट विल बी जीरो। समझ आया? कोई बोले कि टेन टाइम ए टेन अगर ये दिया हुआ है इक्वल टू फाइव टाइम फिफ्थ टर्म, ओके, देन आपको पूछेगा देन फाइंड ए फिफ्टींथ टर्म, तो सीधा इसका इसका सम दैट विल बी ए पी प्लस क्यू विल बी जीरो। आया हुआ क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन है इस तरह का, ओके, आया था। अगर हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड टर्म इक्वल टू फिफ्टी टाइम फिफ्टी टर्म दिया हुआ है देन फाइंड द 150th टर्म, द आंसर विल बी जीरो। मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में, चिंता मत करना। नंबर टू, पीथ टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है तो भी पी प्लस क्यू टर्म का सम जीरो होगा। मैं अगर कोई बोलूं फिफ्थ टर्म टेन है और टेंथ टर्म फिफ्टीन है, टेंथ टर्म फाइव है तो टेन प्लस फाइव फिफ्टींथ टर्म विल भी जीरो, चेक कर लेना। दूसरा, अगर पीथ टर्म वन बाई क्यू है एंड क्यूथ टर्म वन बाई पी है तो पी क्यूथ टर्म दैट विल बी वन और सम ऑफ पी क्यू टर्म विल बी वन बाई टू पी क्यू प्लस वन। ये थोड़ा आप याद रखें, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया जनरल टर्म वाली बात, अब सम टू टर्म्स।
अगर पी टर्म का सम क्यू है और क्यू टर्म का सम पी है, तो पी प्लस क्यू टर्म का सम विल बी माइनस पी प्लस क्यू। मीनिंग अगर मैं बोलूं सम ऑफ 50 टर्म्स इज 100 एंड सम ऑफ 100 टर्म्स इज 50, सम एंड 150 टर्म विल बी माइनस 150। आएगा प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएगा। अगर पी टर्म का सम क्यू टर्म के सम के बराबर है तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म विल बी जीरो। अगर मैं बोलूं 20 टर्म्स का सम 30 टर्म के सम के बराबर है तो सम ऑफ 30 प्लस 20 50 टर्म का सम विल बी जीरो, क्योंकि कुछ माइनस वाले कुछ प्लस वाले सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये आप लिखते रहिएगा, लिखते रहिए, ओके। चलो प्लीज नोट इट डाउन। अगला टॉपिक देखिए, इफ ए वन ए टू बी टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देखो हमने एक अर्थमेटिक मीन को, जैसे ए और बी के बीच में कोई एक ए नंबर है, सच दैट ए ए एंड बी आर इन ए पी, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ये आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था बिटवीन टू गिवन नंबर्स, वो आपने एन साइड दिया। अब कोई अगर कोई बोले दो गिवन नंबर के बीच में टू अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना, मान लो एक नंबर ए है और एक दूसरा ए वन है, तीसरा ए टू है और फोर्थ इज बी, तो इसके बीच में दो अर्थमेटिक मीन है, तो द टू अर्थमेटिक मीन्स कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला ए वन इज टू ए प्लस बी बाई थ्री एंड ए टू इज ए प्लस टू बी बाई थ्री। जस्ट कंपेयर द फॉर्मूला, बाई थ्री दोनों में है, ए प्लस बी ए प्लस बी है, इधर टू ए प्लस बी और इधर ए प्लस टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूँ, If I give an example to you, just आप चेक कर सकते हैं। सपोज ये टू एंड एट, ओके, इनके बीच में दो नंबर आपको सही है, such that resulting sequence is in AP, तो आप क्या टू ए प्लस बी, इसमें दिस इज ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, आराम से आप कर सकते हैं। टू ए प्लस टू टू जा फोर, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई थ्री कितने होंगे फोर होगा, और सिमिलरली ये हो जाएगा आप करेंगे दिस विल बी सिक्स, तो ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी मीन्स टू इंटू एट सिक्सटीन, सिक्सटीन टू एटीन, एटीन बाई थ्री विल गिव सिक्स, सो दिस दिस वन इज ए वन और दिस वन इज ए टू, वेरी इजी। और कंपेयर करेंगे हम जीपी पढ़ेंगे तब। अब ये जितने भी सारे नंबर्स बीच में हम घुसाएंगे बिटवीन ए एंड बी के बीच में, ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन, तो इन सब का सम विल बी वाट n into a where a is the arithmetic mean, a equal to यहाँ पे क्या होगा a आपका, a is arithmetic mean between a is a plus b by 2, मतलब ये हुआ आप जब लिखेंगे, सपोज मैं आपको लिखूँ दो चार छ आठ दस, मैं इसको अगर a ले लूँ, इसको ले लूँ b, ठीक, दिस इज b, तो what is arithmetic mean, a कितना है 10 plus 2 by that means यहाँ a कितना हो गया, a will be clearly 6 हो गया। अब इनके बीच के जो नंबर है, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री, इनका सम कितना होगा एन इंटू ए, एन इंटू सिक्स यानी थ्री इंटू सिक्स, इनका सम का सम 18 होगा, ठीक है ना। कितने नंबर घुसाने हैं एन, तो एन को उनके अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेक कर लो 4 + 6 + 8, सो इस तरह से हम लोग सारे अर्थमेटिक मीन का, ये जो नंबर बीच में जो घुसा रहे हैं उन सब का सम विल बी एन इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब एक लास्ट वाला, दिस इज सम ऑफ एम अर्थमेटिक मीन्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, दैट विल बी इक्वल टू एम रेशियो एन, तो ये आप लिख लो, तीनों नोट्स आराम से कर सकते हैं। और अगर कोई आपको बोले, मैं इसी के ऊपर आधारित एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है, फाइंड सम ऑफ 20 एम्स बिटवीन, इफ आई राइट 1 and 99, पता ये करिए फटाफट, तो n इक्वल टू 20 करिए फटाफट, तो n विल, दिस इज n, तो n इंटू आपको n इंटू a, दैट इज 20 इंटू a कितना है a प्लस b बाई टू, यानी 1 + 99 बाई टू, योर आंसर विल बी दिस इज 50, यानी 1000 विल बी योर आंसर, ठीक है। इसको आप लिख लो, इसका एग्जाम्पल था, दिस वॉज एग्जाम्पल, करते जाइए फटाफट नोट करते, आप नोट्स बनाते रहो तब आप रिवाइज करेंगे तो आपको टाइम बचेगा, ठीक है, कीप ऑन मेकिंग नोट्स प्लीज। अब अगला, एज्यूमिंग टर्म्स इन एपी,
टर्म्स को मतलब कैसे एज्यूम करेंगे, तो आपको कई बार बोलेगा कि फाइंड द टर्म्स इन एपी या फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी इफ द प्रोडक्ट इज दिस एंड इफ द सम इज दिस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, अगर वो टर्म का ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर ऑफ टर्म, याद ध्यान रखना। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल में एक ही टर्म होगा, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल में दो होगा। तो ऑड वाले में ध्यान रखना, मिडिल टर्म ए लेना, उसके पहले वाले ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। अगर तीन टर्म एज्यूम करना तो आप ऐसे करेंगे, लेट द टर्म्स बी ए माइनस डी ए ए प्लस डी। अगर पांच टर्म है, ये तो दो, ये तो तीन रहेगी रहेगी, उससे ए माइनस टू डी एक और कम करना, ए प्लस टू डी और एड कर लेना। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, जब आपको देखो सम देगा, प्रोडक्ट देगा, आप इनका सम करेंगे तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री ए विल बी सम नंबर, तो आपको ए मिल जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट वाला है, और एक सर्टन कंडीशन विल बी गिवन। इनका सम करेंगे तो माइनस टू डी प्लस टू डी माइनस डी प्लस डी सारा कैंसिल हो जाएगा, फाइव ए विल बी सम, आपको क्वांटिटी मिलेगी, और उसके बाद वन मोर कंडीशन विल बी गिवन, यूजिंग दैट कंडीशन आप डी का वैल्यू भी पता कर सकते हैं, फिर आप आके टर्म्स पता कर सकते हैं। इसमें दो टर्म्स इक्वल होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो दोनों इक्वल होगा, एक ए प्लस डी ए माइनस डी। आप इनमें ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना, इसमें कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस जो आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी। ठीक है, यहां कॉमन डिफरेंस इसमें, इसमें वाले में, इसमें तो इसकी बात हो रही है, इसमें कॉमन डिफरेंस सी डी विल बी इक्वल टू टू डी। ओके, जो आप है ना, क्योंकि इसमें इसमें फर्क कितना, माइनस डी और इसमें टू डी का फर्क है, तो ये दो मिडिल टर्म होगी, फिर टू डी इसमें ऐड करो और इसमें टू डी कम कर दो। तो ध्यान रखना ए माइनस थ्री डी या फोर है तो माइनस थ्री डी से स्टार्ट कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। सिमिलरली सिक्स टर्म्स है तो ए माइनस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फाइव डी। बी वेरी वेरी केयरफुल, आप तीन या पाँच का एज्यूम करते हैं तो क्या मिलेगा, और फोर और सिक्स का करते हैं तो क्या एज्यूम करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइव स्टार रेटिंग है, मैं इसको बोलूंगा। ठीक है ना, थ्री टर्म्स वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, फोर वाला भी ये तो कर सकते हैं, ए माइनस थ्री डी ए माइनस थ्री, और फोर वाला कभी कभी फोर वाला पूछा जाता है, तो ये लिख दी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसी को, फाइंड थ्री टर्म्स इन ए पी इफ देयर सम इज नाइन। थ्री टर्म्स आप पता करेंगे, ठीक है, सम नाइन है एंड उनका प्रोडक्ट है 15, तो आप आराम से करेंगे। ये नंबर क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, आपको मिलेगा सम नाइन है तो थ्री हो, तो थ्री ए इक्वल टू नाइन, ए इक्वल टू सीधा आपको मिल गया थ्री। ठीक है, अब प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट यूज कर लिया मतलब क्या हुआ, ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी यू विल यूज इक्वल टू, आपको प्रोडक्ट किया 15 है, ए का वैल्यू रख दो और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, आपको मिला ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड गेट डी आल्सो। ठीक है ना, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा, सो नंबर्स विल बी 1, 3, 5। ओके, दिस इज वेरी इजी, ये आपका 10th में या 11th में भी है एक दो क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट। देख लो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पांच चार प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ आपने 10th में पढ़ी, कुछ 11th में पढ़ी। इफ ए बी सी डी आर इन ए पी, तो आपने पढ़ा था 10th क्लास में पढ़ा था, इफ यू एड कॉन्स्टेंट टर्म टू एन ए पी रिजल्टिंग सिक्वेंस इज इन ए पी। मान लो मैं अगर कोई बोलूं 1, 3, 5, 7, आप इनमें दो दो ऐड कर दो, आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगा, आप दो सबट्रैक्ट कर दो तो भी एपी में होगा। लैम्डा इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, लैम्डा इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है ना, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना, और लैम्डा नॉट जीरो। ओके, सबट्रैक्ट कर दो या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एपी में बनेगा, सबका डबल कर दो, मान लो लैम्डा का आप दो लेके सोचो ना, और उसे दो से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी एपी में रहेगा। नंबर टू, इन ए फाइनाइट एपी सम ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड दैट सम इज इक्वल टू द ए प्लस एल, फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होगा। मतलब आर्थ टर्म एंड प्लस टी आर माइनस टी आर प्लस टी एन माइनस वन टी आर प्लस टी एन माइनस आर सॉरी दिस इज एन माइनस आर
और वो फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होगा। ऐसे कैसे, मैं आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल, ये मैं आप लिख लो पहले, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका, इसको समझाने के लिए। सपोज मैं ले लूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। वाट इज ए प्लस एल, ए प्लस एल इधर है, ए प्लस एल कितना आपका, ए प्लस एल दैट इज 20। तो ये कहना चाहता है कि जो देखो इधर से सेकंड का और इधर से सेकंड का सम कितना होगा, 4 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 20। एंड इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, सबका सम फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में होगा। देखो आप चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये 2 एंड 18 का 16, 18 का सम सेम, 4 एंड 16 का सम सेम, 6 एंड 14, 8 एंड 12 और 10 एंड 10, ठीक है ना, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो इवन हो, तो सम इज सेम। तो इन जनरल टी आर प्लस टी एन माइनस आर इक्वल वो ए प्लस एल होता। अगर कोई बोले टी थ्री और प्लस टी एन माइनस थ्री, वो हमेशा सेम होगा, नॉट ओनली दिस फिफ्थ टर्म एंड टी एन माइनस फाइव, वो सब सेम होगा और वो फर्स्ट एंड लास्ट के सम के बराबर होगा। ये आप लिख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये आपके लिए हथियार साबित होंगे, और इन्हीं हथियारों को पहना करके रखना, तभी आप रणभूमि में उतर पाएंगे, ठीक है। थर्ड वन, इफ nth टर्म इज लीनियर इन n, तो दैट इज ए एन प्लस बी, तो ए बी नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो उसे जो सीक्वेंस बनेगी दैट सीक्वेंस विल बी इन ए पी, द कॉमन डिफरेंस होगा वो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n। ओके, ए दिस इज ए इंटू एन है, ए एन, ठीक है। तो मैं अगर एग्जाम्पल दे दूं, मैं आपको एग्जाम्पल अगर यहां दे दूं, एन इक्वल टू 5n माइनस 6, तो आप एन इक्वल टू 1, 2, 3 पुट करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा, एपी बनेगा, दिस विल सर्टेनली फॉर्म एन एपी, आपने 10th पढ़ा। सिमिलरली अगर सम, इफ द सम इज क्वाड्रेटिक इन एन, क्वाड्रेटिक होगा, ए एंड बी दोनों नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा, तो वो होगा एपी बनेगा, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस विल बी द 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो मैं अगर कोई इफ आई गिव एस एन इक्वल टू 3n² - 5n दे दिया, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विल बी 2 इंटू 3 दैट विल बी 6। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, तो आप इसको एन की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको s1 मिलेगा, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो 8 आपको s2 मिलेगा, s2 में से s1 माइनस करेंगे आपको मिलेगा s2 - s1, और s3 - s1 से करेंगे आप a1 a2 a3 मिल जाएगा। समझ आया, कहानी नहीं आया? ओके, s2 - s1 विल गिव यू a2, ठीक है। तो आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे आपको s1 मिलेगा, s2 मिलेगा, फिर s2 - s1 आपको मिलेगा, और s1 जो है वो a1 के बराबर होता है, और s2 - s1 दैट विल गिव यू a2, और a2 - a1 करेंगे तो आपको d मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लिखते जाओ, लिखते जाओ। ओके, सम स्टैंडर्ड एडिशन फॉर्मूले उनके, ये आपने पढ़ा है, 1 + 2 + 3 + यानी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, दिस इज सिग्मा एन, ऑलरेडी यू नो इट, फिर भी मैं n × n + 1/2 फॉर योर रीकैप आप करा देता हूं। दिस इज सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, 1 + 3 + 5 दैट इज एन स्क्वायर, छोटी गलो, ये इवन नेचुरल का नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर का सम होगा n × n + 1। ओके, आप इसको ब्रैकेट खोल के n² + n भी कर सकते हैं। ये 11th पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। ओके, दिस विल बी n × n + 1 2n + 1 / 6, दिस कैन बी रिटन सिग्मा एन स्क्वायर, इफ आई राइट सिग्मा एन स्क्वायर बेटर, ये सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n + 1 2n + 1 और दिस बाई 6, दिस विल गिव ये सिग्मा एन क्यूब, ऑलरेडी काफ़ी आसान, इस पहनने वाले का स्क्वायर कर लो, n² n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आपको ऑलरेडी आता है, बट एक बार रिकैप कर लो, ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, मजा आ रहा होगा। और फिर अभी ये ज़्यादा दिक्कत इसमें है नहीं, ओनली प्रैक्टिस करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यू विल कम अक्रॉस देयर, ओनली यू विल फाइंड सम इंटरेस्ट देयर। ओके, बट अब करते हैं हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, थोड़ा नई नई चीज़ें आपने पढ़े, बिकॉज आपने 11th क्लास एनसीईआरटी में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा।
चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपने पढ़ा है 11th क्लास में, ए ए आर ए आर स्क्वायर और nth टर्म इज ए आर रेस टू एन माइनस वन, आर इज द कॉमन रेशियो और nth टर्म विल बी ए आर एन माइनस वन, जस्ट ए रिकैपिटुलेशन, सम टू एन टर्म्स देर आर टू थ्री कंडीशंस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन तो आर माइनस आर रेस टू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ए तो पहले होगा, कंपेयर दिस इन दिस फॉर्मुला बिल्कुल सेम है, व्हेन आर इज लेस देन वन तो a इंटू वन माइनस आर का पावर n बाई वन माइनस आर, यानी ऊपर वन जो है माइनस का साइन ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीपल हो जाता है। ओके, व्हेन r इक्वल टू वन तो डोंट अप्लाई दिस फॉर्मुला बिकॉज वन माइनस वन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सिंपली n इंटू a, ठीक है ना, कितनी टर्म्स है उसको a से मल्टीप्लाई करते, जैसे तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन आप सब में करेंगे तो मान लो टेन टाइम्स करना है, तो टेन टाइम्स करना है आपका आंसर n इंटू ए यानी 10 इंटू थ्री, योर आंसर विल बी 30। तो दिस इज ए पी, दिस इज जी पी ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम टू इन्फिनिटी आपने एन सी आर टी में था नहीं, यू दिस वॉज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ 11th एन सी आर टी, सो ये एप्लीकेबल होगा जब r का मैग्नीट्यूड ऑफ r दैट इज लेस देन वन, अगर वन से बड़ा है तो उनका सम टू इन्फिनिटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सपोज यू राइट टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन और इफ यू कीप ऑन एडिंग इन्फिनिटी तो योर सम विल बी इन्फिनिटी, ठीक है उसमें कोई, बट व्हेन आर इज लेस देन वन तब ये फॉर्मूला लगता है ए बाई वन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू टू राइट वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई सिक्सटीन एंड कीप ऑन एडिंग इन्फिनिटी टाइम्स तो योर फॉर्मूला विल बी ए इज वाट वन बाई टू। ओके, देन वन माइनस आर, आर कौन है, आर भी वन बाई टू है तो वन माइनस वन बाई टू योर आंसर विल बी वाट, योर आंसर इज वन, ठीक है ना। नाउ यू मे बी थिंकिंग यार इतनी चीज़ों को आपने ऐड किया फिर भी आंसर वन आया, खोदा पहाड़ निकली चुया, तो डोंट वरी ये वन बाई टू है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए वन बाई टू प्लस वन बाई फोर ये आपका थ्री बाई फोर बनेगा और बाकी जैसे जैसे आप राइट में बढ़ेंगे इन नंबर्स बहुत छोटे हो जाएंगे, ये कितना भी दम लगा ले आगे वाला नंबर इनका सब वन बाई फोर ही होगा। यू कैन वेरीफाई इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस योर सम विल बी वन बाई फोर, करेंगे ए बाई वन माइनस आर ए इज वन बाई एट, ठीक है और ठीक है और वन माइनस वन बाई एट आप चेक कर लो कितना आएगा, दिस इज ओके दिस इज हाउ मच वन, दिस इज वन बाई एट बाई सेवन बाई एट, ओके एट माइनस वन सेवन बाई एट तो कितना है, लेट मी सी ओके लेट अस चेक वन बाई टू वन बाई फोर ए एट माइनस वन सेवन बाई एट वन बाई एट सेवन बाई एट दिस विल बी वन टू फोर एट, चेक करो इसको, यस देयर इज अ मिस्टेक वन माइनस आर, आर इज स्टिल वन बाई टू तो वन माइनस वन बाई टू मैं इसको करूंगा, दिस इज वन बाई टू आप ऊपर जाएगा दिस विल गिव यू टू बाई एट दैट इज वन बाई फोर, ठीक है। सो अब इनका पूरे का सब वन बाई फोर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाइए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये नंबर अपना दम तोड़ते जाएंगे, इनका वैल्यू कम होता जाएगा। एनीवे आप ये फॉर्मूले वापस पढ़ लो, ये आपने पढ़ा था और a बाई वन माइनस आर बहुत बार काम आएगा आपका, इवन ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी काफी यूज होता है सम टू इन्फिनिटी, ठीक है लिख लो इनको छोटे छोटे चीजें। अब ज्योमेट्रिक मीन जैसे देखो आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन है ऑलरेडी 11th क्लास पढ़ा था, ज्योमेट्रिक कैपिटल जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, देन जी इज गिवन बाई रूट ए बी, ऑलरेडी I already explained to you. Now to find n geometric means between a and b, तो आपको common ratio पता होना चाहिए, तो common ratio is given by b by a power 1 by n plus 1. ध्यान रखना arithmetic mean में आपको d चाहिए, d was b minus a by n plus 1, थोड़ा compare करना arithmetic mean के लिए, ठीक है ना, okay, you need common difference, GMs के लिए you need common ratio. अच्छा अब मान लो दो नंबर आपको दिया हुआ है ए एंड बी, उनके बीच में दो जी एम निकाले, सपोज आपको दिया ए और बी दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड जी वन एंड जी टू बीच में सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जी पी, सो जी वन कैन इज गिवन बाय द फॉर्मूला ए स्क्वायर बी पावर वन बाई थ्री और जी टू इज ए बी स्क्वायर पावर वन बाई थ्री। आप इसको कंपेयर करेंगे, ए पी में आपने पढ़ा था कंपेरेटिव स्टडी इज ऑलवेज बेटर स्टडी, ए वन टू ए प्लस बी बाई थ्री था और ए टू था आपका ए प्लस टू बी बाई थ्री, जस्ट कंपेयर क्या फर्क हुआ, ये थ्री है तो थ्री पावर वन बाई थ्री हो गया, ये टू था तो ए का स्कोर हो गया, ध्यान रखना जो मल्टीप्लाई वाला हो रहा है
जो कोएफिशिएंट है वो उसका पावर हो गया, ठीक है ना। ये कोएफिशिएंट ए का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर ए का पावर 2 हो गया, ठीक है, बिकॉज दे आर अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक। इधर पूरे का कोएफिशिएंट 1/3 है तो पूरे का पावर 1/3। जस्ट कंपेयर दिस एंड दिस टू रिमेंबर। अब आपने क्या था, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन दैट वॉज एन ए था एन इंटू ए, वेयर ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। हियर प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज दिस इज वॉट जी, जी का पावर एन, जी मीन्स दिस इज रूट ए बी का पावर एन होगा, ध्यान रखना जी का पावर एन, उधर एक एन इंटू ए, यानी इधर जिस अर्थमेटिक मीन में ए पी में जो मल्टीप्लाई हो रहा था उस चीज का, यहाँ उसका चीज का क्या हो रहा है, पावर हो रहा है, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन में आपका ए प्लस बी बाई टू है या ए बी का पावर, ठीक है ना, हो जाएगा ए बी का पावर 1/2 हो जाएगा, ओके। एनीवे ये चीजें आपने नोट करनी है, ठीक है, करो। फिर पढ़ते हैं एज्यूमिंग टर्म्स इन जीपी, 3 ओड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करते तो क्या होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम क्या करता, कंपेयर करना एपी वालों को जीपी वालों को, ठीक है। अगला आ गया एज्यूमिंग टर्म्स इन एपी, 2 कैसे है, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड एंड व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। आपने एपी वाले कंपेयर करना या ओड वाले में 3 और 5, इवन वाले में 4 और 6, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला 3 टर्म वाला। आप एज्यूम करना ए बाई आर ए ए आर, आपको क्या होगा प्रोडक्ट दिया होगा और सम वगैरह कुछ दिया होगा, तो प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे आर आर कैंसिल होगा, आपको ए क्यूब मिलेगा, तो ए क्यूब मिलेगा तो क्यूब रूट निकाल के यू कैन फाइंड ए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर आर कैंसिल होगा, आपको ए का पावर 4 मिलेगा, 5 सॉरी। सिमिलरली यहाँ पर भी एनी मल्टीप्लाई यू विल गेट रिड ऑफ आर, यू सिंपली डायरेक्टली यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए, फिर सेकंड कंडीशन में ए का वैल्यू पुट करके आप आर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन रेशियो ध्यान रखना, कॉमन रेशियो यहाँ पे हमारा आर है, यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा सी आर, दैट इज आर स्क्वायर, ध्यान रखना। आपने एपी में ओड नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, वहाँ कॉमन डिफरेंस डी था, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था, 2d था, तो मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो चीज़ पावर हो रही, एपी में जो चीज़ कोएफिशिएंट है डी का, वहाँ पे आर का पावर हो जाएगा, ओके। आपके एग्जाम्पल में अगर कोई बोलूं फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी जहां पे उनका सम हो जाएगा 14 एंड प्रोडक्ट उनका मैं अगर बोलूं प्रोडक्ट 64, आप जब करेंगे योर आंसर विल बी ये वाला फॉर्मूला लगे, ये वाला प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट दैट इज ए क्यूब 64, ए आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ए यहाँ पे मिडिल टर्म है तो योर आंसर विल बी 246, वेरीफाई कीजिएगा, यू ऑलरेडी नो, ठीक है, पर इसको लिख लो आप। अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, 4 नंबर्स ए बी सी डी आर इन जी पी, देन ध्यान रखना, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर्स ए पी में है तो उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या उनको कोई सेम पावर लगा दो तो वो जीपी में रहेंगे। अगर उनका स्क्वायर रूट लो, मतलब पावर अगर ए बी सी डी जीपी में, उनका स्क्वायर रूट भी जीपी में होगा। आप ये क्या, अगर इनका पावर -1 कर दो, ए का पावर -1, बी का पावर, सी का, सबका पावर -1 कर दो, मतलब आप उनको सेम पावर रेंज करो या फिर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो नॉन जीरो रियल नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑल्सो बी इन जीपी, आप याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 2 इन ए फाइनाइट जीपी, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू ए इंटू एल। एपी में क्या था, फाइनाइट एपी में सम ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट वॉज कॉन्स्टेंट, दैट सम वॉज इक्वल टू ए प्लस एल या ए इंटू एल। इन जनरल टी आर एंड टी एन माइनस आर इफ देर आर टोटल एन टर्म्स, तो प्रोडक्ट विल बी कॉन्स्टेंट, दैट विल बी ए इंटू एल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैं सिंपल लेता हूँ, 2 कॉमन रेशियो 2 लेता हूँ, ओके, 4, 8, 16, 32 चेक कर लो, व्हाट इज एल, इनका प्रोडक्ट
इनका प्रोडक्ट और इनका सेम का प्रोडक्ट सेम होगा ए इन टू एन, ए इन टू एन, ओके ये ध्यान रखना, और दैट इज इक्वल टू एल। ये समझ में आ गया, 4 × 16 = 64, 8 × 8, सेम से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ओके। तो ये दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, आराम से पढ़ते हो, इसमें ज्यादा कोई रटाफिकेशन जरूरत नहीं। मेन चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करना और सेम पावर एज करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑल्सो बी एन, विल ऑल्सो बी इन जीपी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप कोई भी जीपी ले लो, आप इस फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, टेक एनी टर्म दिस फोर, दिस फोर इज जीएम ऑफ दिस एंड दिस, या फिर एट इज जीएम ऑफ, एट इज जीएम ऑफ दिस एंड दिस, समझ में आया, ओके। अच्छा एट इसका इसका जीएम है और एट टू एंड 32 का भी जीएम, इस चीज को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, एवरी टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, या इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, सब का ये जीएम है, कोई भी टर्म, ठीक है ना, जो टर्म इक्विडिस्टेंट उनसे उन सब का ये जीएम है। सपोज में 1, 3, 9, 27, 81, 243 अगर मैं लेता हूं यहां पर, ओके यू कैन से दिस 27 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, और 3 एंड दिस का भी ज्योमेट्रिक मीन, और भी अगर आप इसको करें 3 का पावर और बढ़ाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा, दिस दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू दिस वन, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से समझना, नोट्स आप बना दीजिए बच्चों, फिर आपको बहुत काम आएगा ये। अगर आपको दो जीपी दे रखी है, सपोज A1 A2 A3 एन एंड B1 B2 B3 बी एन आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो, इनका कॉमन रेशियो छोटा आर है, इसका कॉमन रेशियो बड़ा आर है, फिर आप जो दोनों जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका A1 × B1 A2 × B2 A3 × B3 एंड सोन, सो दिस विल ऑल्सो फॉर्म ए जीपी जिसका कॉमन रेशियो इन दोनों के कॉमन रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिमिलरली यू डिवाइड A1 A2 B1 B2 का कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू जीपी इज डिवाइडेड, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑल्सो बी जीपी एंड विद कॉमन रेशियो आर बाई आर, ठीक है, ऊपर वाले का पहले और नीचे नीचे वाले का, ठीक है, ये एक चीज है। अभी आप इसको लिख लो, बड़ा काम का है, ठीक, ध्यान में, आप यू कैन वेरीफाई इट बाई टेकिंग टू जीपी एंड उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, या उनको ऐसा आपके एनसीईआरटी की बुक में है, 11th क्लास में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके इसको लिखो आप। सम इंटरनेट एप्लीकेशन ऑफ जीपी, एक फ्रैक्शनल वैल्यूज का आप जई क्लासेस में एक लंबा चौड़ा मेथड बताया जाता, मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं 9th क्लास का मैं बताऊंगा आपको, 9th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ा था ना, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जैसे मैं आपको कोई बोल दिया 1.33333, ठीक है, ऐसा बोल दिया, ओके, या फिर कोई बोल दिया 3.25 वगैरह वगैरह, 2727 ऐसा आ गया, ठीक है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, इसको 100 से करना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताऊँ सिंपल तरीका जो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, इसको गिवन वाला एक्स ले लो, दैट एक्स इक्वल टू 1.333, ठीक है, टिम 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 लगा दो, इसको नंबर 1 दे दो, और दिस इज 3 का 1.3 बाहर होगा, दिस वेरी इजी, यू ऑलरेडी नो इट, आप सोच रहे सर इतना इजी पढ़ा के पका रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, बिकॉज सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, 10x इक्वल टू हाउ मच दिस विल बिकम, दिस विल बिकम 13.333। अब कोई बोलेगा सर एक 3 कम है, कम क्या, इसकी कोई कमी है क्या, ओके जितने 3 में लिख दो 13.333, इसको नंबर 2 दे दो, अब देखिए आप, अब 2 मिनट से 1 माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 9x इक्वल टू आपको क्या मिला, आपको इसमें से माइनस कर दो आपको मिला 12, तो आपको x इक्वल टू क्या मिला, x मिला 12/9, दैट इज आपको मिला 4/3, इट डजंट टेक मोर देन 1 मिनट, ठीक है ना, कुछ भी आएगा, सपोज आपको मिला 1.27 करते देना, इसको x लेना, ठीक है, उस नंबर 1 दे देना, ओके, और 10x ले लेना आप उसको, सॉरी 100 से करेंगे दिस टाइम, यू मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज 2 डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड हियर, सो मैं इसको 100x कर दूं तो आपको क्या यहाँ पॉइंट आएगा ना, आपको मिलेगा 127, लेट दैट साइड 100x, यानी 127 और पॉइंट उसके नीचे करते जाओ, ठीक है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नाउ माइनस कर दो, 2 - 1 यू गेट
ठीक है, टू माइनस वन आपको मिलेगा, दिस इज 99x इक्वल टू, ये कितना हो गया 126, ओके, देन x इक्वल टू 126 और बाय 99, सॉरी, तो ये 14, हम 14 नाइन जा 11 नाइन जा 14 बाई 11, ठीक है ना, आई थिंक इट इज 14 नाइन जा 11 नाइन जा, करेक्ट, 11 वन जा 11, 11 टू जा, चेक कर लो, दिस शुड बी करेक्ट, ओके, इसको लिख लो, तो आप इस वेरी इजी 100 से करो, 1000 से करो, 1000 से ज़्यादा नहीं आता, अगर आप तीन डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, और यहाँ 1000x बनेगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 999x, ठीक है, वेरी इजी नो, करो फटाफट, आप चेक कर लो 14 बाई 11 कितना होता है, 14 बाई 11 में टेक जो कर रहा हूँ 14 11, ओके, वन जा, ओके 11 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया, 11 टू जा, ओके 22 8 आ गया, 80 आ गया, 11 7 जा 77, करेक्ट, 3 आया, सो दिस करेक्ट, ओके 14 बाई 11 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में आपका कभी कभी आता है, आप सोचोगे यार इतना सिंपल जो हम 9 में पढ़ा फिर भी आ रहा है, क्लास 9 वाला आ रहा है, एनडीए टाइप में आता है, जेई मेंस वगैरह, ठीक है, व्हाट इज फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस, जस्ट नोट इट डाउन हाउ टू फाइंड, गिवन क्वांटिटी को एक्स एज्यूम करना, मल्टीप्लाई बाई 1000 और 1000 अकॉर्डिंग टू एज द नंबर ऑफ डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। एक ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में और बाकी बार बार आ जाता है, ये 8+8+8+8+8+n टाइम जिनका सम करना, बिकॉज ये एपी नहीं है जीपी नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, मैं इसमें से 8 कॉमन ले लिया, 1 आ गया 111, 9 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर 999 आ गया, ये तो आपको आता है इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसको, ठीक है, ओके एनसीईआरटी बुक में, ठीक, अब इसमें कुछ नया काम नहीं है, यू कैन रीड इट योरसेल्फ, आई नॉट वेस्ट योर टाइम बाय जस्ट सिंपली कंटिन्यू द लेक्चर। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका आंसर इसमें ये देखो ब्रैकेट सेम आएगा, ब्रैकेट विल बी सेम, यानी आपका आंसर आएगा दिस इज सिंपली नथिंग, ए डिजिट बाई जो डिजिट रिपीट हो रहा है ना, जो डिजिट रिपीट हो रहा है डिजिट बाई 81 और ब्रैकेट में सेम आएगा 10^(n+1) -10 दिस इज 9n नॉट 9n, ठीक है, -9n, अगर यह होता 7 होता 7+7 7 7 77, तो आपका 7/81 आता, बाकी सेम आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, इवन यहाँ 3 होता तो क्या होगा 3/81, तो वो काट के 1/27 आंसर वुड हैव बीन सेम। तो आपको थोड़ा फास्टेस्ट कैलकुलेशन की इसको शॉर्टकट बना सकते हैं आप, डिजिट द डिजिट विच इज बीइंग रिपीटेड डिजिट बाई 81 एंड अंदर ब्रैकेट में सेम 10^(n+1) -10 -9n विल बी योर आंसर, फास्टेस्ट फॉरवर्ड टाइप, इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको एजीपी बोलते हैं, एजीपी, पहले इसको समझा देता हूं, आप इसको लिखिएगा, ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी। एग्जाम्पल a+d इंटू आर a+2d इंटू आर इसको, या फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एपी लेट अस कंसीडर एपी, एपी में अगर ले लूँ 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये ले लिया, ओके लेट अस कंसीडर जीपी, जीपी में अगर लेता हूँ 3, 3, अभी मैं कॉमन रेशियो भी 3 लेता हूँ, ओके तो 3 का दिस नेक्स्ट इज 9 देन 27 दैट इट इज 81। अब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एजीपी क्या बनेगा, एजीपी विल बी इनसे 1 × 3 देन अनदर विल बी 3 × 9 द नेक्स्ट विल बी 5 × 27 एंड नेक्स्ट इज 7 × 81। यू कैन राइट इट लाइक दिस 1.3 एंड दिस इज 3.3² देन इट इज 5.3³ नेक्स्ट इज 7.3⁴। अब आप देख सकते हैं कि ईच टर्म का फर्स्ट फैक्टर इज एपी, 1, 3, 5, 7 आर इन एपी एंड देन सेकेंड टर्म 3, 3² सेकेंड फैक्टर इज इन जीपी 3, 3² 3³। तो सच सीक्वेंसेज और सच प्रोग्रेशन आर नोन एज एजीपी, ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, जीपी का कॉमन रेशियो आर है, तो ये एक जनरल मेथड से ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी
फर्स्ट फैक्टर इज टर्म इज इन ए पी एंड सेकेंड फैक्टर इज इन जी पी. सो देर सच काइंड ऑफ सिक्वेंसेज आर नोन एज ए जी पी. अब इनका सम कैसे पता करते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना. वेरी गुड, इसको लिख लो आप. मान लो ये आपका ए जी पी है, ए ए प्लस डी इंटू आर ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब. ओके, तो इसका nth टर्म तो वेरी इजी, दैट कैन बी गिवन बाई nth टर्म ऑफ ए पी मल्टीप्लाइड बाई nth टर्म ऑफ जी पी, ठीक है ना. यू कैन राइट इसका मतलब ये थर्ड टर्म है, ये पता करना थर्ड टर्म ए प्लस थ्री माइनस वन टू डी और इसका थर्ड टर्म. सिंपल आप ऐसा कर, ठीक है ना, r का पावर कॉमन रेशियो. ओके, ये कर सकते हैं. इसको nth टर्म करना ठीक नहीं, r का पावर n माइनस वन कर दे. अच्छा, मेन चीज अब इसके सम का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, तो एक एल्गोरिथम याद रखना टू फाइंड सम ऑफ सच प्रोग्रेशंस. एज्यूम द गिवन सीक्वेंस या गिवन सीरीज का सम एज एस, कैपिटल एस उसको एज्यूम करें. देन उसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी, उसके अंदर जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई करना, फिर दो इक्वेशन बनेगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू और टू फ्रॉम वन, ठीक है. देन मैं इसको एक एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2014, एक क्वेश्चन आया था, वन प्लस फोर बाई फाइव प्लस सेवन बाई फाइव स्क्वायर प्लस टेन बाई फाइव क्यू, इट इज नॉट 53, इट इज 10 बाई फाइव रेज टू 3. ओके, सो अगर आप ध्यान देंगे तो दिस इज एन ए जी पी. कैसे लिख सकते हैं, दिस इज आप लिख सकते हैं ये वन इंटू वन है, प्लस दिस इज फोर इंटू वन बाई फाइव, दिस इज सेवन इंटू वन बाई फाइव का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज टेन इंटू वन बाई फाइव का क्यूब. आप ऐसे कर सकते हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट ए पी, वन फोर सेवन टेन, जी पी क्या, वन वन बाई फाइव सेवन बाई फाइव स्क्वायर एंड सेवन बाई फाइव क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी. अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको आप ऐसे दे देना, कॉमन रेशियो क्या है, जी पी का वन बाई फाइव है. सो हाउ टू कैरी आउट द सम ऑफ दिस एग्जाम्पल, पहले आप इतना लिख लो, इसको मैं फर्दर इसका सोल्यूशन आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना. इसको आप इतना लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लो आप, देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द सम. देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला है, बट देर फॉर्मूला इज वेरी लेंथी, वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. दिस इज वेरी वेरी ईजी वे टू राइट, ठीक है, ये लिखो पहले. अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं. आपको मैंने स्टेप लिखवाया था कि गिवन सीरीज को आप एस लेना, एस इक्वल वन प्लस फोर बाई फाइव ये दे दिया आपने, इसको इक्वेशन नंबर वन देना. देन इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इज वन बाई फाइव, जी पी का कॉरेस्पॉन्डिंग जी पी का कॉमन रेशियो वन बाई फाइव है. आप वन बाई फाइव से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए और सारी टर्म्स को एक स्टेप राइट में शिफ्ट कर देना, क्योंकि इसको करना वन बाई फाइव से इसको भी करना, इसको इसको करें वन बाई फाइव, ये फोर बाई फाइव स्क्वायर, तो वन बाई फाइव इधर इसके साइड वाले नीचे लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है ना. और फोर इसको क्या वन बाई फाइव से, तो फोर बाई फाइव स्क्वायर इधर लिखना. तो आफ्टर मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो शिफ्ट एवरी टर्म टू राइट साइड बाई वन स्टेप. वन है टू दे दिया, आप इक्वेशन टू में से वन माइनस कर लो, या वन में से टू माइनस करो, वन में से टू माइनस करो, दिस इज स्मॉलर, वन माइनस टू किया यहाँ पर, ठीक है, कोई किसी में से करो आंसर सेम आएगा. अब किया तो ये देखो, ये वाला आप अलग रखना, तो वन तो इधर लिख दिया, फिर फोर बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव थ्री बाई फाइव मिला आपको, इसमें से क्या तो क्या थ्री बाई फाइव का स्क्वायर थ्री बाई फाइव क्यूब अप टू इन्फिनिटी दे रखा. अब देखिए ये एक सम जी पी है, ओनली प्योरली जी पी, इसके अंदर ए पी का कोई रोल नहीं है. अलग ऐसा करने से हमारा क्या होता है, ए पी और जी पी अलग हो जाता है. तो ये आप लिख सकते हैं. अच्छा, इसमें चाहो तो थ्री कॉमन ले लो, अदरवाइज आप सम टू इन्फिनिटी ऑफ जी पी आपने किया था, एस इन्फिनिटी किया था, जी पी में एस इन्फिनिटी था, ए बाई वन माइनस आर. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म इधर ब्रैकेट वाले का, आई कैन राइट ये लाइक दिस. ओके, तो थ्री बाई फाइव वन माइनस आर कितना, कॉमन रेशियो इज वन बाई फाइव. ओके, ये हो गया. अब यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज फोर एस बाई फाइव, वन प्लस थ्री बाई फाइव, ओके, थ्री बाई फाइव डिवाइडेड बाई दिस इज फोर बाई फाइव. ओके, फोर बाई फाइव ये कितना हुआ, वन प्लस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी वन प्लस थ्री बाई फोर हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा सेवन बाई फोर. हमारा फोर एस बाई फाइव बोलो सेवन बाई फोर है. ओके,
तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी मीनिंग 4s बाई 5 इक्वल टू हमारा है 7 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16s इक्वल 35, s इक्वल टू 35 बाई 16, ये हमारा आंसर है। ठीक, दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन मैंने दिए नहीं थे, उनमें बहुत सारे ऑप्शन थे, दिस इज द आंसर। तो इस तरह का कोई भी आपका AGP होगा, लेट देयर बी एनी टाइप ऑफ AGP, सभी का एक ही एल्गोरिथम है, एक ही मेथड है उसका सम पता करने का। गिवन सीरीज को आप एस दे देना, दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप राइट में खिसका देना, वन में से टू को या टू में से वन को माइनस कर देना। यहाँ पे आप ऐसा जब सबट्रैक्ट करेंगे तो एक एक टर्म अलग होगा, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा यू विल गेट ए प्योरली AP, प्योरली GP, एंड उसका सम। ये आपको कितना 10 टर्म्स बोलता, 15 करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सम टू GP ऑफ सर्टन टर्म्स आपको आता ही है, एंड टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन AGP। ओके, इसको लिखो आप। नाउ आवर नेक्स्ट सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हमारे NCERT में नहीं थी। आपने NCERT में AP पढ़ा, GP पढ़ा, बट HP नहीं पढ़ा, ठीक है। सो ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड HP इफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स आर इन AP। उसी के टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल ले लें वो AP बन जाए, या AP के रेसिप्रोकल्स को वापस, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल वापस सीधा हो जाता, ठीक है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो 1/3 के 3। तो इसको पढ़ने से पहले मैं अगर आपको बता दूं, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 ये AP है, ओके। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 दीज आर GP, ये सॉरी दिस इज HP, उल्टा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब HP के टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल करें तो वो AP बन जाता है, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा 1/a, 1/a+d, 1/a+2d वगैरह, मीनिंग इनका डिनोमिनेटर AP में होगा, ओके। रेसिप्रोकल नॉट ओनली डिनोमिनेटर, रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, देन दैट सीक्वेंस इज एन HP। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मान लो ये थोड़ा लिखते रहना, लेट ABCR इन HP, तो HP में है तो क्या होगा, देन 1/a, 1/b, 1/c R इन GP, ये समझ वाला कहानी। तो दो टर्म GP में आपने पढ़ा था AP, दो टर्म अगर AP में XYZ अगर AP है तो क्या होगा, मिडल वाले का डबल, दैट इज 2y = x+z, ये आपने पढ़ा था, ओके। मीनिंग ये वाक इसका डबल, दैट मींस 2 × 1/b आइदर 2/b इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। इफ यू टेक LCM इधर का 2/b, LCM इज AC, ऊपर आ गया a+c। तो व्हाट इज b, बी इक्वल टू, व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, b इक्वल टू 2ac बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो a+c। If ABC are in HP, then B equal to 2AC by H+C। अब ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो ये ABC आर HP, तो मिडल वाला एक्चुअली ये हार्मोनिक मीन होता है, मिडल वाला हार्मोनिक मीन होता है। तो मैं अगर करूं AH and B अगर हमारा इन HP, ओके, तो H क्या है, H इज 2ab/a+b, वेयर H इज हार्मोनिक मीन, H हमारा हार्मोनिक मीन है, ये वाला आप थोड़ा याद रखना, हार्मोनिक मीन, ओके। गिवन टू नंबर्स a और b, तो हार्मोनिक मीन बिटवीन a और b इज 2ab/a+b। बड़ा काम का, आप इसको कंपेयर करना, अर्थमेटिक मीन a और b के बीच में a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन √ab, हार्मोनिक मीन आपका ये हो गया। तो याद रखना a क्या होगा, कंपेयर करना a+b/2, g हमारा √ab, एंड h हमारा ये होगा। तीनों चीज़ों को आप एक बार वीडियो को पॉज करके याद करना, फिर आप क्वेश्चन में, बिकॉज HP के कुछ क्वेश्चन JEE में आते हैं, NDA में भी आते हैं, JEE मेंस एडवांस में, हार्मोनिक मीन तक हमारे सिलेबस में है।
तो ये वाला इस टॉपिक में हार्मोनिक में ना आप याद रहा 2ab/a+b, ठीक है, इसको लिख लो आप फटाफट, लिखते रहो फिर बहुत सारी चीजें आपको मैं कराऊंगा। अगला टॉपिक हमारा, इफ H1 and H2 be 2 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 numbers A and B, तो द 2 harmonic numbers can be 3ab/2a+b and another will be 3ab/a+2b, बी वेरी वेरी केयरफुल। देखो वैसे तो अगर आप दो नंबर के बीच एक हार्मोनिक पता करना है, हार्मोनिक मीन, तो दैट इज इक्वल टू 2ab/a+b, वेरी इजी, 2ab/a+b वेरी इजी टू रिमेंबर, ओके समझ आ गया। लेकिन दो हार्मोनिक मीन निकालना ये वाला, बी वेरी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्व दिस फॉर्मूले वेरी वेरी केयरफुली, आप इसको याद करें, पता चला कि आप दो अर्थमेटिक मीन भूल गए और पता चला दो ज्योमेट्रिक मीन भूल गए, तो दोनों को कंपेयर करना मैं बता रहा हूँ। देखो आपने ये तो आप याद करना है, तो A1 क्या हो गया बताइए, A1 will be 2A plus B by 3 and A2 हमारा क्या था, दूसरा अर्थमेटिक मीन A+2B/3 था, ओके। और ये वाला ज्योमेट्री मीन क्या था, G1 क्या था और G2 क्या था, याद आ रहा कुछ, अगर याद नहीं आप बताए, A²B का पावर 1/3 था, दिस वॉज AB² का पावर 1/3, एक ही साथ आप कंपेयर करेंगे, टू अर्थमेटिक मीन A1 A2, टू ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 एंड टू हार्मोनिक मीन, तीनों फॉर्मूलों को एक साथ रख के आप कंपेयर करना, क्या फर्क है उसमें, देखो इसमें 3 ऊपर है, तो यहाँ A और G में क्या, A का जो मल्टीप्लाई A का कोएफिशिएंट वो उधर A का पावर बन गया, ठीक है ना, A का ऊपर 2 है तो A का पावर बन गया, और ये नीचे पूरे का कोएफिशिएंट 1/3 है, 1/3 पूरे का पावर बन गया, वेरी इजी टू रिमेंबर। व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे उल्टा नीचा, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर उल्टा नीचे हो गया, और ऊपर 3 नीचे 3 तो 3ab हो गया, ठीक, ऊपर हमेशा 3ab 3ab, तो तीनों को कंपेयर करना कि गड़बड़ नहीं कर बैठे, वेरी इजी, ये आप लिख लीजिए, ओके। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक AM GM and HM, रिलेशन बिटवीन AGH, नया टॉपिक, रिलेशन बिटवीन AG and H, इनके बीच में रिलेशन मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा A=A+B/2, G=, आपने पढ़ा √AB, एंड H=, पढ़ा आपने 2AB/A+B। आप अगर थोड़ा स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो सेम होगा, आप क्लियरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे G²=H, अच्छा मल्टीप्लाई, ये एक रिलेशन, एक तो ये हो गया, फिर कौन बड़ा कौन, ये देखो ध्यान रखना, ये भी एक रिलेशन है, फिर अब इनमें बड़ा कौन छोटा कौन है ध्यान रखना, AGH, A बड़ा है G से, G बड़ा H, दो तरीके याद रखने में आप बता देता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर पहले आता है, ए जो पहले आता है बड़ा, उसके बाद जी एच, अल्फाबेटिकली ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच, या फिर ऐसे समझ लो आपने एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले कौन सा सीक्वेंस पढ़ा, AP पढ़ा, फिर आपने GP पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा यानी सबसे दुनिया में जो सबसे पहले पैदा हुआ वो बड़ा है, तो आपने AP पहले पढ़ा तो AP बड़ा, उसके दो दिन बाद में GP पढ़ा तो ये GP उसे AP से छोटा, सबसे बाद में आपने HP पढ़ा H छोटा, तो वेरी इजी टू रिमेंबर अल्फाबेटिकली AGH, A > G, G > H, ये दो रिलेशन है, आप इनको पक्का याद रखना, ठीक है ना, इसको लिखते जाइए, छोटा सा एक दो कंसेप्ट और करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन बिल्कुल है ना नहीं। एक और आप ये रिलेशन याद कर लो, इफ गिवन टू नंबर्स ए एंड बी ए, उनके बीच में टू एम्स ए वन ए टू एम्स
G1 is G2, यानी A1 A2 टू अर्थमेटिक मीन्स, G1 is G2 टू ज्योमेट्रिक मीन्स, एंड H1 H2 टू हारमोनी मीन्स, देन दिस रिलेशन होल्ड्स गुड. G1 G2 बाई H1 H2, A1 + A2 बाई H1 + A2. ये क्वेश्चन H1 + H2 वाला एक आध बार आता है, जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक है ना. दो जीवन, दो ज्योमेट्रिक मीन्स, दो अर्थमेटिक मीन, दो हारमोनी मीन, तो दिस इज द रिलेशन. अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट मैं आपको एडवाइज करूंगा, आपका स्टार्टिंग से लेकर अब तक का वीडियो एक बार आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.5 टाइम स्पीड करें, एक बार वीडियो को फिर से वॉच करना, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं. बाकी कंसेप्ट में कुछ बच नहीं गया है, वील है लोड ऑफ प्रैक्टिस, लोड ऑफ प्रैक्टिस, देन आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर प्रैक्टिस, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन NDA 2012. सम ऑफ P terms of an AP is equal to sum of its Q terms, then sum of P plus Q terms. My dear students, मैंने starting में आपको पढ़ाया था, if SP equal to SQ, आपको पढ़ाया था. अब पहले सोचो आपका आंसर क्या आना चाहिए, what should be your answer. आपको पढ़ाया था मैंने if SP equal to SQ, याद होगा, then SP plus Q was minus P plus Q. ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने पहले इसलिए बोला, आप एक बार वीडियो को वापस रिप्ले कीजिएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके अब तक, देन ऑप्शन इज डी. मजा आ रहा है, आएगा मजा लेने वाला चाहिए, करते रहो सारी चीजें. अगला सवाल ये ना आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1/Q + R, 1/R + P, 1/P + Q R इन AP, देन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. केरला CEE में पूछा गया था, आप पहले खुद ट्राई करो, अदरवाइज नाउ आपको जब भी मैंने बताया था अगर 3 टर्म्स AP में है, सारी चीज यूज करना, आपको बताया था अगर XYZ AP में है, अगर वो AP में है तो क्या होगा, देन मिडिल वाले का डबल विल बी इक्वल टू 2, मिडिल वाले का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस X + Z. तो व्हाट हैपेंस हियर, ये जब AP में है तो इसका डबल क्या होगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू हिंट ओनली, ओके आप करेंगे तो दिस विल बी 2/R + P, इसका डबल कर दिया और इसका इसका सम 1/Q + R + 1/P + Q. व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन, आपको करते 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 आपको मिलेगा 2Q² = P² + R² मिलेगा. इससे क्या पता चला है, देन विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये समझाया, देयर फोर P² Q² R² इन AP, समझ भाई कहानी, ओके, ए P² Q² R इन AP, सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए तो नहीं बी इज करेक्ट, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, 2^4 मल्टीप्लाइड बाई 4^1/8 मल्टीप्लाइड 8^1/16 एंड सोन अप टू इनफिनिटी, व्हाट द आंसर, AIEEE 2010. कम नहीं क्वेश्चन अपने आप में, तो ये आपको कहीं ना कहीं मैंने इसको पढ़ाया, आप बिल्कुल डरना नहीं है, मैं पहले इसको करूंगा, पहले इसको मैं लिखूंगा 2 का पावर लिखूंगा, हिट देता हूँ आपके लिए, आई विल राइट इट एज, ये 2^1/4 हो गया. अच्छा ये 2² का पावर है तो दिस कैन बी रिटन 2^2 2/8 हो जाएगा, और दिस विल बी ये वाला, देखो 8 को मैं लिखूंगा 2³, तो 8^1/16 तो 2^3/16 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 2^4/32 2^4/16 है 32, इस तरह से ये बनता रहेगा, दिस इज सीक्वेंस, ठीक है ना, यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग लाइक दैट. अब व्हाट हैपेंड हियर, ये 2 की पावर और कुछ नहीं है, 2 की पावर ही था ये, ये क्या है 2^4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 दिस इज 2^2, ये 2 का पावर है, ओके. इसको मैं अगर ले लूं 2^s, हमें इसका वैल्यू पता करना है, दिस इज नाइदर AP नोर GP, वेर दिस इज AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना,
तो मैं इसको अगर कर दूं, लेट एस इक्वल टू एस हमारा क्या हो गया 1/4 + 1, दिस इज 2/8 + 3/16 + 4/32 अगर आप करते जाएंगे इनफिनिटी टाइम यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। ये बात समझ में आया। अब देखो इसमें एजीपी कॉमन रेशियो क्या 1/2 है, आप इसको करेंगे ना 1 × 1/4 हो गया, फिर 2 × 1/2, फिर वापस हो जाएगा 4 × 1/4 × 1/2, ठीक है 1/4 × दिस अगेन इज, फिर वापस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 1/2/3 वगैरह वगैरह, दिस इज एजीपी, दिस इज एजीपी, इसको नंबर 1 दे दो। वाट इज कॉमन रेशियो, दैट इज 1/2, मल्टीप्लाई बोथ साइड 1/2 यानी 1/2s, वो आपने मल्टीप्लाई किया है तो क्या बनेगा, इसको कीजिएगा, इसको क्या तो 1/8 बनेगा, तो सेम डिनोमिनेटर वालों का ऊपर नीचे लिखना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको क्या 1/8 विल बी रिटन हियर एंड दिस विल बी 2/16 यहाँ पे लिखा जाएगा, दिस विल बी अगेन 3/32, यू कैन कीप ऑन राइटिंग इनफिनिटी टाइम्स लिखिएगा। अब आप 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 आपको क्या देगा, आपको देगा अगेन s/2 या ठीक। अब यहां से भी शुरू करेंगे, दिस इज ए प्योरली ओके सॉरी माइनस किया तो ये हो गया ना, ये तो अंदर हो गया हमारा, ये 1/4 + ये 2/8 में 1/2 चला, 1/8 इसमें चला गया तो क्या हो गया 1/16, समझ में आ रहा है, दिस इज 1/32 माइनस कीजिएगा, करते 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 आप करते जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज प्योरली जीपी, या इसको शुरू इसको इंक्लूड करते हैं तो भी जीपी आ गया, देखो कभी कभी इसको एक्सक्लूड करना पड़ता है तो बाद में ऐड करते, यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म इज ए इज 1/4 कॉमन रेशियो 1/2, तो ये क्या मिला आपका s/2 हमें मिला, s/2 अगर आप करेंगे a/1/4/1 माइनस क्या होगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 अगेन, सो s इक्वल टू हमारा हो गया 1, s का वैल्यू 1 आया है, s का वैल्यू 1, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इज तो करेक्ट सम इज दैट विल बी 2 raised to 1, हमारा आंसर 2 आएगा, इसका है ना 2 raised to 1, तो 2 ऑप्शन है कि नहीं कहीं हमारा, 1 में नहीं, 2 तो है, अच्छा बी पढ़ा ना, तो बी इज आवर आंसर। ये बातें आप समझिएगा, वीडियो को जहां जहां समझ में नहीं आया प्लीज़ उसको समझते जाएगा, और अगर फिर भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम 9898199867, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी डाउट्स ऑन दिस नंबर, ठीक लिख लो इसको, मजा आ रहा है, आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान रखना, इफ ए बी सी डी आर इन एच पी, ए बी सी डी अगर एच पी में है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो आपको पहले आप ध्यान कीजिएगा एनडीए 2017 में, मान लो आप एनडीए 2000 आप एनडीए के पेपर में बैठ अभी एग्जाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको आ गया, क्या आप इसको छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे, अच्छे बच्चे ना, आप काम कर रहे हैं, तो मैं अगर पहले कंसिडर करता हूं ए बी सी, इफ आई कंसिडर, देखो ए बी सी इनका एच पी क्या है, इनका एच पी है हमारा बी, ओके और ओके एच पी ऑफ एच पी बिटवीन ए एंड सी वो हमारा है बी, ओके एंड जी सॉरी एच एम एच एम एच एम और जी एम बिटवीन ए एंड सी इज वॉट रूट ए सी, ओके समझ आया, तो बी उसका है और वो उसका है रूट ए सी, अच्छा अब आप बताइएगा कौन बड़ा होता है, एच बड़ा होता है जी बड़ा होता है, आपको पता है जी आपने पढ़ा था ना ए जी एच, तो कौन बड़ा है जी एंड एच में से, जी ग्रेटर देन एच, ठीक है, तो आई विल राइट रूट ए सी ग्रेटर देन बी, इसको मैं ये लिख दूंगा। सिमिलरली इफ यू कंसिडर बी सी डी, नाउ कंसिडर बी सी डी, बी सी डी का बताइए जी कौन है,
जी कौन है, रूट बी डी है ना, यहाँ पे जी ग्रेटर देन एच करेंगे तो बी डी का जी एम दैट विल बी रूट बी डी एंड इनका हार्मोनिक मीन एच है तो दैट इज ग्रेटर देन सी, हार्मोनिक मीन एच इक्वल सी, अब बी डी इज ग्रेटर देन सी। अब ध्यान करना मेरे प्यारे बच्चों, आप वन और टू को कंसिडर करना, रूट ए सी ग्रेटर देन बी, रूट बी डी ग्रेटर देन सी, रूट ए सी रूट बी डी, ये समझ में आया आपको कहानी। अब इक्वेशन नंबर टू और इसको वन को मल्टीप्लाई कीजिएगा, वन इंटू टू, बड़े को बड़ा छोटे को छोड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया आपको रूट ए बी सी डी, आपको मिला रूट ए बी सी डी ग्रेटर देन बी सी। ओके, अभी आपको कैमरे की जद में तो आ रहा है ना, अभी भी यार एक लाइन में नीचे लिख सकता हूँ और आके राइट। आप क्या करना, ये रूट ए बी दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, रूट ए बी से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रूट सी डी ग्रेटर देन रूट बी सी। अब ये ठीक है ना, रूट बी सी निकल गया, रूट ए बी है इधर भी, बी एन सी निकल गया, रूट ए डी रहेगा, रूट ए डी विल बी ग्रेटर देन रूट बी सी। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो, ए डी ग्रेटर देन बी सी, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। कहीं है कि नहीं ए डी ग्रेटर देन बी सी ऑप्शन, तो ऐसा नहीं है, ए में नहीं है यार, बी में भी नहीं है, ए डी बी सी, सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा करना आप ध्यान रखना, ये देखो हर जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है सारी चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ए जी एस ज्योमेट्रिक मीन जी इज ग्रेटर देन एच, तो आप सी और ए के बीच में आपने जी निकाल लिया रूट ए सी, और एच एच एम तो दे रखा है ना, ए बी सी डी सारी एच पी में, तो बी ए और सी के बीच का एच हार्मोनिक मीन है, सी बी और डी का हार्मोनिक मीन है। इस तरह से करते करते खूब से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, करें नेक्स्ट, वेरी गुड, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2013 का, सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 10,000 विच आर ऑफ द फॉर्म, विच आर ऑफ द फॉर्म एन क्यूब वेर एन इज एन नेचुरल नंबर इज इक्वल, मतलब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 10,000। आपको ये करना एनडीए में क्वेश्चन, और किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको आता, आपको सिर्फ डर लग रहा कि यार ऐसा मैंने किया नहीं। 11th क्लास की एनसीईआरटी आपने ध्यान से पढ़ी होगी, मैं बताऊंगा आपको, सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था वो सिग्मा एन क्यूब दैट इज एन इंटू एन प्लस वन का बाई टू इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ये क्या वन सर, दिस इज वाट, ये तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एन क्यूब तक का फॉर्मूला, ठीक है, ये उसका वन से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है। आपको तो ये बोल रहा है कि था 100 और उसके बीच में, तो आप एक काम करना, इनके बीच के सबसे बड़ा नंबर रिक्वायर्ड सम हमारा क्या होगा, हमारा सम देखो सबसे द विच इज द परफेक्ट क्यूब विच इज जस्ट ग्रेटर देन 100। फोर का क्यूब कितना होता है, फोर का क्यूब कितना होता है, फोर का क्यूब 64 होता है, ओके, और फाइव का क्यूब कितना हो गया 125, इसका मतलब फर्स्ट नंबर विल बी फाइव क्यूब, फाइव रेस टू क्यूब, तो यह फर्स्ट नंबर विल बी फाइव क्यूब, ठीक है ना, तो सच नंबर विल बी राइट फाइव क्यूब सच नंबर्स, तो हमारा सम हो जाएगा फाइव क्यूब सिक्स क्यूब, अब ये करते जाएंगे। ओके, अब कहां तक रुकेंगे, कितने होंगे ये, हमें 10,000 के आसपास कोई क्यूब देखना है, तो काफी हम ट्राई कर लेते हैं, लेट अस ट्राई 20 का क्यूब देखते हैं, 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब इट इज 8 और 8 क्यूब 3 जीरो लगा दो, अभी 10,000 8,000 हो गया ना, करें अच्छा, अब 21 का क्यूब कितना होगा, 21 का क्यूब हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 into 21, हाउ मच इट बिकम्स इंटू 21, आप जब करेंगे ना आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, 6 and 2 and 9, तो 9 to 6 1, तो अभी भी छोटा ही है, 9,206 है,
ओके तो इट जस्ट अब तो लग रहा है कि 22 का क्यूब, तो भाई 22 का क्यूब कितना होगा, 22 की स्क्वायर 484, 484 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई इट, आपको मिलेगा 822 का क्यूब आई लेट 8 ईयर, 8 हो जाएगा, 4 to 8 हो जाएगा, देन फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, देन 0 आएगा, देन 1, तो ये तो बड़ा हो गया, 22 का क्यूब इज 10,648, तो ये तो नहीं हमारा, तो ये कितना, दिस इज अप टू 21 क्यूब इज द लास्ट टाइम, ठीक है, ओके अब हमें क्या दिक्कत है, ये समझ मिटा दो भाई की? तो थोड़ा टाइम देखो, एनडीए में लगा तो 2-3 मिनट का क्वेश्चन होगा, जेई मेंस में भी 3 मिनट या 4 मिनट एक क्वेश्चन होता है, अगर वन से देखो, वन से होता ना तब तो दिक्कत नहीं, हम एनी टाइम प्लस 1/2 ऑल इसको लगाते, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दिया, 5 क्यूब 6 क्यूब अप टू 21 क्यूब, आपने जब ऐड किया है आप ये वापस करेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ओके ये क्या है, दिस आई कैन राइट सिग्मा एन क्यूब, एन का वैल्यू 1 से लेकर 21 तक, माइनस दिस इज सिग्मा एन एम क्यूब कर दो, एम का क्यूब और एम का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, अब आपको समझ में आ जाएगा, अब मैं फॉर्मूला रख दूं, एन इंटू एन प्लस 1 दैट मीन्स 21 इंटू आई राइट 22/2 का होल स्क्वायर, माइनस दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, यू परफॉर्म कैलकुलेशन ये आपका बनेगा 21 इंटू 11 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 10 का स्क्वायर, ठीक है, अब 21 इंटू 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस द प्रोडक्ट विल बी 231 का स्क्वायर माइनस 100, ओके अब इसका स्क्वायर नाउ यू कैन परफॉर्म कर, इसका आप जब स्क्वायर करेंगे 5 3 5 3 3 6 1 और माइनस 100 योर आंसर विल बी 5 3 2 6 1, ऑप्शन ए नहीं है, बी इज ऑप्शन करेक्ट, तो मेन चीज ये तो आपको हो गया कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको देखना हाउ टू डू इट, किस में से क्या माइनस करें, ये थोड़ी प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा, करते हैं सवाल नंबर 6, इसको लिखो, आर यू एंजॉइंग और नॉट, यस यू आर एंजॉइंग, सवाल नंबर 6 जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इफ एक्स वाई जेड ऑल आर ग्रेटर देन 1 एंड वो एक्स वाई जेड अगर जीपी में तो 1/1 ln x मीन्स log x, यहां ln x आपको मीन्स log x होता, अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाऊंगा तो सोचेंगे क्या करें, तो ये क्या है, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट कोशिश कर लो, अदरवाइज प्ले कर लो, ऑलराइट ट्राई कर लिया, चलिए अब मैं कराता हूं आपको, आपको शुरुआत यहां से करना है, देखिए सिंस एक्स वाई जेड अगर वो जीपी में है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड हो जाएगा, अब लॉग ले लो, लॉग लिया तो दिस विल बी 2 log y इक्वल लॉग लिया तो लॉग एक्स प्लस लॉग, अब ये कैसे है आप खुद देखना, ठीक है लॉग का चैप्टर पढ़ना, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो 1 + log और x हो तो यहां मैं 1 ऐड करूंगा, आई विल राइट इधर 1 ऐड करूं, इधर 1 ऐड करूं, इधर मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आई विल राइट 2 + 2 log y इक्वल टू 1 + log x मुझे चेक करना है एंड प्लस 1 + log z एडिंग 2 टू बोथ साइड, इधर 2 कॉमन ले लो, ये भी 1 + log हो जाएगा, 1 + log y ये हो गया 1 + log x, ऐसे बंद कर दो तो भी चलेगा, खुला है तो भी कहीं भागे नहीं, ठीक है प्लस 1 + log z, इसका तात्पर्य क्या हुआ, 2 × sum इक्वल टू कुछ नंबर प्लस कुछ नंबर, दैट मीन्स दिस एंड दिस आर इन एपी, इंप्लाई दैट क्योंकि आपने पढ़ा ए बी सी अगर एपी में होता तो 2b = a + c, यानी 1 + log x 1 + log y एंड 1 + log z दे आर इन एपी, समझ आया,
ओके, ये टेकिंग लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये एपी में हमें पूछा, ये वाला ये जो पूछा गया ये रेसिप्रोकल में है ना, देयर फोर हमारा आंसर 1/1 log x, 1/1 log y, and 1/1 log z, दे शुड बी इन एचपी। सो आवर आंसर मस्ट बी ए बी सी डी एचपी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख लो लिख लो लिख लो, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ जवानों, आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन 7 आपके लिए ये रहा। इन एन एपी इफ एंथ टर्म इज 1/n, एंथ टर्म इज 1/m, बहुत पहले ये आईआईटी में पूछा गया था, उस फॉलोड बाय यूपी शीट, यू कैन ट्राई नाउ। इसमें आपको हिंट में दे दूं, आप बोलो, तो पहले आप ट्राई कीजिएगा, आपको वक्त मिलता है सिर्फ 3 मिनट का। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, अगर मैं इसको लिखूंगा a प्लस एम माइनस 1 × d, वो हमारा हो गया 1/n, इसको मैं दे दूं 1। और ये वाला क्या, दिस इज 1/m है, और इफ आई राइट nth टर्म में, यहां से मैं लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1 × d, दैट इज 1/m। अब हिंट देता हूं आपको सॉल्विंग, 1 and 2 आपको, यानी इनको सोल्व कीजिएगा, आप फर्स्ट टर्म पता करो, आप कॉमन डिफरेंस पता करो, तो आपको सॉल्विंग करेगा आप मिलेगा a इक्वल टू आपको 1/mn आएगा, एंड d इक्वल टू भी आपका 1/mn आएगा, d इक्वल 1/mn, मतलब आप a का वैल्यू पता करो 1/mn, 1 और 2 में किसी में वापस रख दो, आपको वन सेम आएगा, a एंड d आपका सेम आएगा। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें a चाहिए, हमें d चाहिए, ठीक है। तो अब ना व्हाट ही वांट्स, a mn, ठीक है। तो देयरफॉर a mnth टर्म, दैट इज a प्लस mn माइनस 1 × d, यू पुट वैल्यू, दिस इज 1/mn प्लस mn माइनस 1 × 1/, दिस इज इंटू, इफ आई राइट 1/mn, तो इसको क्या लिखूंगा, बाई mn कर दूं, इफ आई राइट बाई mn, बाई mn। नाउ व्हाट इज LCM, LCM इज mn, mn अगर LCM में ले लूं, ये हो जाएगा ऊपर mn, और यहां m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस mn, तो ये कैंसिल हो गया, और दिस इज प्लस 1, ओके। सो आपका m स्क्वायर n स्क्वायर बाई आपका, व्हाट हैपेंड दिस टाइम, 1 मिनट, 1, देयर इज अ संपंगा, यस देयर इज पंगा इज देयर, ओके, यू टेक एलसीएम, ऊपर कुछ और आएगा, ऊपर गड़बड़ लिखा मैंने, एलसीएम लिया, एलसीएम इज एम एन, ऊपर 1, वेरी सिंपल, 1 + mn - 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा दिस इज 1/1, तो आपको एम एन बाई एम एन, योर आंसर इज 1/1, ऑप्शन में ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, डी, डी इज द आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये आप लिख लो, बहुत सारे प्रैक्टिस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको लग रहा हमसे होगा नहीं यार, लेकिन जब जैसे आपने स्टार्ट किया और यार ये तो हो गया, ऐसे ही होता है। यही मेन्स में वगैरह मैक्सिमम क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर आप 70% 80% अगर आपको कॉन्फिडेंट लग रहा आपको आते हैं, तो यू आर थ्रू, यू आर क्वालिफाइड इन जेई मेन्स एंड एडवांस और एनडीए, वट एवर इट इज, ठीक है ना। 80% क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता ही नहीं कि आपको आता है, ठीक है ना। 80% यू ऑलरेडी नो द कंसेप्ट, बट ओनली थिंग यू नीड ए प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आईआईटी यूपीसीड, ये क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं है, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरे अगर शुरू का आपने आधा घंटा या 40 मिनट्स का वीडियोज अगर आपने देखा है, तो मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे होगा नहीं, ठीक है ना। आई एम 100% श्योर दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपने वीडियोज वॉच किया होगा, सारे कंसेप्ट आपने समझे होंगे, तब होगा। R is the one arithmetic mean and P, Q are two geometric means between two given numbers. Then P, Q plus Q cube क्या होगा? आप शुरू कीजिए, आप one arithmetic mean, मान लो number x and y है, तो one arithmetic mean क्या होगा? x + y/2. Two geometric mean क्या होगा? आपको मैं hint दे देता हूँ, क्या hint दूँ आपको, आता है ये पूरा solution कराना पड़ेगा। लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई, उनके बीच में,
तो आर अर्थमेटिक मीन है, तो देयर फोर हम लिखेंगे आर इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर वन कर देंगे एक्स प्लस वाई बाई टू। जी वन एंड जी टू दैट इज पी एंड क्यू, ये जी वन है, ये दिस इज जी वन, दिस वन इज जी वन, दिस इज जी टू, ये दो अर्थ ज्योमेट्रिक मीन है एक्स और वाई के बीच में। तो आप पी अगर एक है तो पी क्या होगा, आप ज्योमेट्रिक मीन एक्स स्क्वायर वाई का पावर वन बाई थ्री, ये नंबर हो जाएगा टू। एंड क्यू इज एनोदर जीएम, तो क्यू इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर का पावर वन बाई थ्री, पावर वन बाई थ्री चिल्ला चिल्ला के मैंने पढ़ाया, आपको फायदा होना चाहिए। अब यूजिंग दीज थ्री रिलेशंस आपको पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू पता करना होगा। तो यहाँ से पी क्यूब कितना मिला आपको, पी क्यूब तो स्क्वायर कर लेंगे और क्यू क्यूब हो जाएगा, लेकिन एक चीज आप यहाँ पी क्यू कितना होगा, पी क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई पी क्यू कितना होगा, एक्स का पावर दो और ये हो जाएगा पी क्यू विल बी इक्वल एक्स वाई। अब क्यों होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मल्टीप्लाइजेशन दिस आपको मिलेगा। अच्छा अब हमारा तैयार है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, नाउ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब यहां पे मैं पी क्यूब कर दूं, इनका पी क्यूब कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई, और दिस इज क्यू क्यूब इज वाट एक्स वाई स्क्वायर, आप इनको ऐड करेंगे पी क्यू प्लस क्यू क्यूब वाट एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां पे मैं कॉमन ले लूं एक्स वाई कॉमन एक्स प्लस वाई, व्हाट इज एक्स वाई, ये व्हाट इज एक्स वाई, यहां से एक्स वाई के देखो, अब आपका पी और क्यू का पी क्यू प्लस क्यू क्यू क्यूब आपका आंसर पी एंड क्यू की, पी क्यू एंड आर की टर्म्स आना चाहिए, एक्स और वाई को आप एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पे फ्रॉम फोर आपको एक्स वाई की जगह मैं लिख दूं पी क्यू, और एक्स प्लस वाई क्या है फ्रॉम वन क्या होगा टू आर, किधर से मिला मसाला फ्रॉम फोर एंड वन, ठीक है। योर आंसर इज टू पी क्यू आर, इज देयर एनी ऑप्शन टू पी क्यू आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये कोई नामुमकिन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी कहना अच्छा नहीं है, थोड़ा आपके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वन अर्थमेटिक मीन, टू ज्योमेट्रिक मीन, ये सब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीन इक्वेशन आपको बनी, इसी से आपको पी क्यू प्लस क्यू क्यू निकालना था आईआईटी जेई में आपका सवाल से, आपको चार में से चार नंबर मिला, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नाइन ये रहा आपके सामने, इफ ए वन ए टू जी वन जी टू एंड एच वन एच टू आर रेस्पेक्टिवली टू अर्थमेटिक मीन्स, टू ज्योमेट्रिक मीन्स एंड टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ ए वन प्लस ए टू बाई जी वन प्लस जी टू इक्वल व्हाट। एनडीए 2011 एंड 2017 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैंने आपको पढ़ाने के टाइम हार्मोनिक मीन जब पढ़ाया था तब एक रिलेशन आपको बताया था, आपको याद होगा, अगर आप वीडियो को आप थोड़ा रिवाइंड करके, या मैं तो बता रहा हूँ अगर आपने वीडियो को केयरफुली वॉच किया है आपको सारा समझ में आएगा। मैं आपको एडवाइस करूँगा अब जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एक बार वीडियो को पॉज करके नोटबुक में लिखते जाओ, एनालाइज करो, समझो, फिर प्ले करो धीरे धीरे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो दो घंटे में आप पूरा प्ले करके देखें, ठीक है, समझो लिखो फिर आगे बढ़ो, ठीक। तो ये मैंने आपको पढ़ा था जी वन जी टू बाई एच वन एच टू, एक रिलेशन बताया था एच वन एच टू इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाई जी वन प्लस जी टू, ये पढ़ाया था। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ये आपको पढ़ाया था। तो ए वन प्लस ए टू जी वन प्लस जी टू इक्वल ये वाला है, तो जी वन जी टू एच वन एच टू, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये समय हमारा कहानी, तो सारी चीज़ें जो पढ़ाई ऐसे फालतू के नहीं है, आई एम श्योर ये आपको समझ में आया है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, आईआईटी एमएनआर दोनों जगह पूछा था, आईआईटी एमएनआर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर आपको ये इसका मीनिंग समझ में आ गया तब मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको आता, दैट्स ऑल।
पर nth टर्म ऑफ ए पॉजिटिव टर्म जी पी इज एन, nth टर्म को अगर ए एन से डिनोट किया जाए एंड दिस सिग्मा ए टू एन एन इक्वल टू वन टू हंड्रेड इज एल्फा एंड सिग्मा ए टू एन माइनस वन एन इक्वल टू वन टू हंड्रेड दैट इज बीटा, देन इट्स कॉमन रेशियो इज वॉट आई आई टी एंड एम एन आर कॉमन रेशियो। आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा, आपको मैं देता हूँ 3 मिनट का वक्त, अब स्टार्ट कीजिएगा आपको आएगा। तो चलिए कोशिश करो, नहीं कोशिश किया तो मैं लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैं इसको अगर बात करूँ एन इक्वल टू वन डालो टू डालो थ्री डालो, एन इक्वल वन डालने से दिस बिकम्स ए टू, टू डालने से ए फोर बना, थ्री डालने से ए सिक्स बना। इस तरह से करते करते ये 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स, ये कितना दिस इज अल्फा। अब सिंस दिस इज जी पी, ए टू क्या हो गया ए आर, ए आर प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर फाइव, यू कैन कीप ऑन राइटिंग 100 टाइम्स 100 टर्म्स, ठीक है ना, वो हो गया अल्फा। ठीक है, अब इसमें ए आर कॉमन ले लो, टेक ए आर कॉमन, सो वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, कीप ऑन राइटिंग 100 टाइम्स दिस इज अल्फा, ये नंबर वन दे दो। अब इसको करेंगे, इसको एन इक्वल टू वन डालो तो क्या बोला ए वन, ए वन टू डालो तो ए थ्री, ए फाइव प्लस डॉट डॉट 100 टर्म्स 100 टर्म्स वो हमारा बीटा। इसको लिखेंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर फोर, यू कीप ऑन राइटिंग 100 टर्म्स, और ए आर 99 भी लिखते हैं, दिस इज बीटा। टेकिंग ए कॉमन वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर 100 टर्म्स, दिस गिव्स बीटा। अब ये आपका नंबर टू हो गया, नंबर वन हो गया। जस्ट नंबर आपने जो दिया हुआ है वो आपने क्वांटिटी यूज कर ली। अब इक्वेशन वन और टू से आप पता कीजिए हाउ कैन यू फाइंड अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन वन ये वाला, यूज दिस एंड यूज दिस, क्या करेंगे कि आपको कॉमन रेशियो मिले बताओ। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है तो आप एक काम कर सकते हैं, हाउ टू गेट आर, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कीजिएगा, तो वन डिवाइडेड बाई टू आपको क्या मिलेगा ए आर बाई ए, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा आपको ए आर बाई ए दैट इज आर इक्वल टू, यू विल गेट अल्फा बाई बीटा, वेरी इजी, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, हाउ इजी, जब आपने शुरू में देखा तो बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, आप ऐसे खूब सारे प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए आसान बनेगा। ओके, लिखो इसको, नोट कर लो इसको फटाफट। क्वेश्चन 11, एम एन आर कर्नाटका ए एम यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले सेपरेट एग्जाम होते थे, ठीक है, देन अब ये देखिए लॉग टू, लॉग ऑफ टू रेस्ट एक्स माइनस वन एंड लॉग ऑफ टू रेस्ट एक्स प्लस थ्री आर इन ए पी, देन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल व्हाट। आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यू स्टार्ट। अगर 3 क्वांटिटी एपी में होती, मैं बताऊँ दीज आर इन एपी, तो मिड जैसे है ना ए बी सी, अगर ए पी में होता है जिसका मीनिंग क्या होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, इसका मीनिंग टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, तो इस कंसेप्ट याद है, मिडिल वाले का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो हम लोग यूज करेंगे, आई यूज टू इंटू लॉग ऑफ टू रेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ टू रेस टू एक्स प्लस थ्री। अब यहां पे क्या होगा, दिस इज लॉग एम प्लस लॉग ऑफ, ये पावर इधर आ जाएगा, आपको मिलेगा लॉग ऑफ टू रेस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, दिस इज लॉग ऑफ टू इंटू टू का एक्स प्लस थ्री। ओके, अब टेकिंग एंटी लॉग आपको मिलेगा टू रेस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू टू रेस टू टू इंटू टू रेस टू एक्स प्लस थ्री। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो अभी इसमें एक काम करेंगे आप, दिस विल बी क्वाड्रेटिक इन टू रेस टू एक्स, एक काम करते हैं, लेट टू रेस टू एक्स को हम ले लेंगे वाई, तो ये क्या होगा वाई आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू टू इंटू यू विल गेट वाई प्लस थ्री। ओके, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस फोर वाई एंड दिस यू विल गेट माइनस
5. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आपको मिलेगा y माइनस 5 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो मिला y इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 5. अब y का वैल्यू देयर फॉर 2 रेज टू x हो गया माइनस 1 एंड 5. बट ये ध्यान रखना, आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल्स वगैरह, तो दो पॉजिटिव है और उसके ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, x पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मैंने बताया था, कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ इट विल लाइक दिस, ये 0 1 से निकलेगा, ठीक है ना. तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो 2 रेज टू x माइनस 1 नॉट पॉसिबल. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है ना. यहाँ लिख दो 2 रेज टू x इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है. देयरफॉर 2 रेज टू x इक्वल टू 5. अब हमें x निकालना है तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा log ऑफ 5 टू द बेस 2. दिस मस्ट बी द आंसर, आंसर बी, ये हमारा आंसर, ठीक है ना. आंसर बी log ऑफ 5 टू द बेस 2. वेरी सिंपल, थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन था. इसको लिखो आप, समझ लो एक बार, वीडियो को पॉज करके इसको फिर से समझिएगा. कुछ करना नहीं, एपी में है तो 2 इंटू दिस, फिर आपको 2 रेज टू x में इक्वेशन मिलेगा. 2 रेज टू x आप सॉल्व नहीं कर पाते, उसके जगह y ले लो, y का वैल्यू वापस रख दो, दैट विल बी योर आंसर. ट्वेल्थ क्वेश्चन, इफ cos x माइनस y, cos x एंड cos x प्लस y आर इन HP, देन cos x sec y by equal to what? IIT 97 JEE Mains 2014 में यह सवाल रिपीट हुआ था. अब कुछ करना नहीं, मैंने आपको फिर भी बता दूं, अगर देखो A, B, C अगर HP में होता है तो B क्या होता है, B इज 2AC बाई A प्लस C. ये ध्यान रखना, मिडल वाला 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल A प्लस C. तो यहाँ पे मैं अगर बता दूँ, दिस विल बिकम ओके cos x, तो इम्प्लाइज डेट यहाँ बनेगा cos, इधर तो इसका ऑप्शन है, तो मैं लिखूँगा cos x इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, दैट मीन्स 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y cos ऑफ x प्लस y बाई इनका सम, यानी cos ऑफ x माइनस y प्लस cos ऑफ x प्लस y. यू स्टार्ट दिस. अब यहाँ पे ये तो पढ़ा आपके पास cos x, कोई दिक्कत नहीं है. 2 इंटू cos x माइनस y cos x प्लस y आपको मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है आपको याद होनी चाहिए. ब्रैकेट खोलेंगे, cos x cos y प्लस साइन x साइन y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y. यू विल बी लेफ्ट विद 2 cos x cos y, काट डालो, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा ये वाला, इधर ले आऊँगा y1 करके, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू, आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई किया cos इंटू cos cos स्क्वायर x इंटू cos y. अच्छा, अब आप इसको उधर ले जाओ, cos वाली चीज़ें एक साथ कर लो, तो मैं लिखूँगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x cos y इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई. अब यहाँ पे इसमें cos स्क्वायर x अगर आप कॉमन ले लें, 1 माइनस cos y बचा दे. अभी देखो यहाँ पे आपको cos cos है, तो सभी चीज़ों को cos में कन्वर्ट करो, साइन को भी cos में कन्वर्ट करो. दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर वाई. यहाँ पे ये इसको फैक्टराइज करेंगे, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या बचा बताइए, 1 माइनस cos y, दिस इज 1 माइनस cos y इंटू 1 प्लस cos y. काटा इसको तो cos स्क्वायर x क्या बना, 1 प्लस cos y क्या होता है आपने पढ़ा, 2 sin² y/2. ओके, 1 प्लस cos x, 2 cos² y/2, दिस इज 2 cos² y/2. अभी उधर जाएगा आपको क्या मिला, cos स्क्वायर एक्स
इंटू sec स्क्वायर वाई बाई टू इक्वल टू टू. तो यू आर आस्ड cos x sec y बाई टू टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या मिला cos x sec y बाई टू विल बी इक्वल रूट टू. ऑप्शन वन नहीं है, टू बी भी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट. सो सी इज द ऑप्शन, इसको लिख लो आप. फिर से देख लो कहीं दिक्कत हो तो, इसका मतलब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन से बच नहीं सकते. एपी जीपी एचपी तीनों में से क्वेश्चन आता हर जगह, ठीक है, कोई किसी से कम इंपॉर्टेंट नहीं है. लिख लो इसको, समझ लो. थर्ड इन क्वेश्चन, इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ पी टर्म्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ क्यू टर्म, दैट इज पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ सिक्स्थ टर्म टू द 21 टर्म इज व्हाट. ए आई ई ई 2006 एंड फॉलोड बाई एन डी ए 2015. ऐसा आपके एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, प्लस उसमें एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी, ठीक है ना. उसमें कुछ लिखा है सम ऑफ एम टर्म, रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम टर्म इज व्हाट. दिस इज आपको दिया एस एम बाई, उसमें एस एन दिया है, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. फिर उसमें दिया प्रूव दैट, प्रूव दैट आपको दिया हुआ ध्यान रखना, उसमें एन सी आर टी बुक में दिया, दिस इज गिवन इन एन सी आर टी बुक, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ आपको, और इसका मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगा. देन आपको दिया है ए एम बाई ए एन, दैट इज टू एम माइनस वन बाई टू एन माइनस वन. वो प्रूफ हम 2m माइनस वन बाई टू एन माइनस वन, ठीक है, दैट वी विल रिमेंबर इट. मीनिंग ये है कि जो ऊपर m दिया ना उसका डबल करके एक माइनस वन कर लो. समझ आया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, इनका स्क्वायर रूट ले लो और ठीक है, समझ आया. तो एनी वे वाट एवर इज गिवन, हम लोग क्या करेंगे, ए सिक्स बाई ए ट्वेंटी कुछ भी पूछो इसमें, ए पी बाई ए क्यू, तो टू पी वन माइनस वन बाई टू क्यू माइनस वन. तो यूजिंग दिस इस छः का डबल कितना हुआ, तो आपका आंसर होगा कि मैं बताऊंगा ए सिक्स बाई एट, आई राइट ये ए सिक्स बाई ए ट्वेंटी वन, वेरी इजी. तो दिस इज टू इंटू सिक्स माइनस वन बाई टू इंटू ट्वेंटी वन माइनस वन विल बी योर आंसर. मेथड आपको दिया तो दिस विल बी इलेवन बाई फोर्टी वन, ठीक है. सो योर ऑप्शन इज सी. आपको कुछ भी पूछता, ए ट्रिपल में एग्जिट ये था और एनडीए में चेंज द डाटा यार, मस्ट हैव गिवन इफ इफ आई रेड एनी अदर डाटा यार. मैं अगर पूछू ए टेन बाई, सॉरी ए टेन बाई, ए टेन बाई ए फिफ्टीन, तो क्या आंसर होगा बताइए. ए टेन बाई टेंथ टर्म टू द फिफ्टीन टर्म क्या होगा, दिस इज टू इंटू टेन माइनस वन बाई टू इंटू फिफ्टीन माइनस वन. योर आंसर शुड बी 19 बाई 29. तो कुछ भी पूछे आपका आंसर विद इन 10 सेकंड टू 15 सेकंड यू मस्ट बी एबल टू आंसर. डबल करो एक कम कर लो, 6 का डबल 12, एक कम किया 11, 21 का डबल करो एक कम करो, सो योर आंसर विल बी इमीडिएटली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इसको लिखो. हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ इजी, विदाउट वेस्टिंग इवन 10 और 15 सेकंड टाइम यू मस्ट बी एबल टू राइट द आंसर. ओके, लिखो इसको फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वन बाई बी माइनस ए प्लस वन बाई बी माइनस सी इक्वल वन बाई ए प्लस वन बाई सी, देन ए बी सी आर इन एम पी 97 उड़ीसा जेई 2007 एंड ए 08 एंड 11. बहुत बार आया क्वेश्चन, आप कुछ मत करना. ये अगर इक्वल है तो मैं आपको बताऊँ, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इक्वल है आप इक्वल करके आप ट्रांसफर करो, मैं इसमें हिट देता हूँ. आई जस्ट गिव यू इंट, अब मैं आपको हिट देता हूँ. एक काम करो, आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. मैं बताऊँ आपको, वन बाई बी माइनस ए, तो बी ए तो ये सी वाला उधर लो, वन बाई सी उधर ले लो, और ये हो जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाई बी माइनस ए. आप इसको इकट्ठा कर लो. ओके, बी माइनस ए बाई सी एंड वन बाई ए वन बाई बी माइनस ए. अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे, इसका एलसीएम होगा सी इंटू बी माइनस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा सी माइनस b प्लस ए, सी माइनस बी प्लस ए. यहाँ एलसीएम होगा a इंटू बी माइनस सी, ऊपर क्या होगा b माइनस सी माइनस ए. बी वेरी वेरी करो, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई लो, कुछ कार्ड साउंड होता है. अब आप एलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे, आपको मिलेगा जब आप फाइनल आंसर लेके आएंगे, आपको यू विल गेट
सब करेंगे ना आपको, तो आपको मिलेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी, वो इक्वल टू जीरो मिलेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपको अभी देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू मिला, ये टू ए सी इधर आ गया। अब क्या करना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी, अभी इसे कोई पता नहीं चला है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी, ए बी सी डिवाइड करेंगे दिस विल बी वन बाई सी प्लस वन बाई ए इक्वल टू टू बाई बी। कैसे आया, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। अब ऐसा रिजल्ट होता तो वन बाई सी प्लस वन बाई ए इक्वल टू बाई बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी आर इन एच पी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफ़ी मज़ेदार सवाल था, यहाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होगा आपके लिए, बट कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ओके, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 रुड़की डीसीई एनडीए वगैरह पूछा गया था। अब इफ एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू इनफिनिटी देन वाई इक्वल टू व्हाट, थोड़ा ध्यान से सोचना, ये आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये क्या, दिस इज जीपी। अब आपको पता है कि जीपी में सम टू इन्फिनिटी वो फॉर्मूला होता है, एक तो कॉमन रेशियो अगर उसका मोड वन से कम है तो वो लगाते हैं ए बाई वन माइनस आर, ए बाई वन माइनस आर देन एस इनफिनिटी इज दिस। ओके, अदरवाइज एस इनफिनिटी हमारा वो कब होगा, अगर मोड आर हमारा लेस देन वन है, और अदरवाइज उसका इनफिनिटी होता। बट एक्स इसने मेंशन नहीं किया, अगर इनफिनिटी होता तो वो लिख देता, एक्स इज एनी रियल नंबर दैट मीन्स यहाँ पे मोड वाई लेस देन वन है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान, मोड वाई यहाँ पे क्लियरली लेस देन, जनरली वो देना चाहिए उसको मोड वाई लेस देन वन, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है वो वन से कम। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए बाई वन माइनस वाई हो गया, ए वन बाई क्योंकि आर इक्वल टू यहाँ पे वाई है। ओके, अब आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वैल्यू ऑफ वाई, इससे निकाल दिस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई करना, ट्राई करना करो, दो मिनट का टाइम देता हूँ आपको। चलिए एक्स इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू वन, ठीक है। अब आप करेंगे एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वन, तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई, वाट इज वाई हियर, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स दैट इज वाई, तो वाई का वैल्यू ये पड़ा कहाँ है, ए में बी में सी में, ढूंढ लो, सी में नहीं है, ए बी में नहीं, तो ऑप्शन डी, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसको बहुत आसान था, इट वॉज वेरी ईजी, एंड ये 2011 में दिया था, ठीक है। बाकी ये जो रुड़की डीसी बहुत पहले का है। क्वेश्चन 16, फोर्थ टर्म ऑफ एच पी इज 3/5 एंड एट टर्म इज 1/3, देन फाइंड फर्स्ट टर्म, वेरी इजी, ये ध्यान रखना, एच पी का फोर्थ टर्म 3/5 है, और ये आई थिंक यू कैन डू इट, या फिर मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, एच पी का फोर्थ टर्म 3/5 है तो उसी की अगर ए पी का फोर्थ टर्म 5/3 होगा, और उस ए पी का एट टर्म 3 होगा, तो एपी की दो टर्म पता है, तो आप एपी का फर्स्ट टर्म पता कर दो और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। राइट योर आंसर, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना, ट्राई सेल्फ। ओके, सेवनटीन्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल आसान, थोड़ा दो कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, पीत क्यूत एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर इन जीपी, यानी वो जो टर्म होगी वो टर्म खुद जीपी में होगी, ठीक है, ये कैसे देखो। अब एक काम करते, पीत टर्म का मतलब क्या है, यानी मान लो मैं लूंगू फर्स्ट टर्म, अगर देखो मैं फर्स्ट टर्म ए लेता हूं और कॉमन रेशियो में, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होने से कॉमन रेशियो में लेता हूं आर, क्योंकि ये आर और ये आर मिक्स मत करना। सो अब अकॉर्डिंग टू ये आप क्या पीत टर्म है, तो इसका क्यूत टर्म आपको दिया हुआ है पीत टर्म, पीत टर्म मतलब
ए पी ए क्यू एंड ए आर आर जी पी, मतलब क्या होगा, ए पी क्या होगा, ए आर का पावर पी माइनस वन, ए इंटू आर का पावर क्यू माइनस वन एंड ए इंटू आर का पावर आर माइनस वन, ये जी पी में है। समझ में आया? तो इसलिए दैट इज द रीजन ये आर और आर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अब ये जब जी पी में होता था मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, जैसे है ना एक्स वाई जेड अगर जी पी में होता है तो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड होता है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। तो मिडिल वाला का स्क्वायर, देयरफॉर ए आर क्यू माइनस वन इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, ए आर पी माइनस वन इंटू ए आर आर माइनस वन। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर एड होता है, मीनिंग ए स्क्वायर आर का पावर दिस इज टू क्यू माइनस टू इक्वल टू ए पावर एड होगी ए स्क्वायर एंड आर का पावर पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन। वेरी इजी, ये दोनों सब सेम है तो इसका मीनिंग ये हुआ टू क्यू माइनस टू इक्वल टू पी प्लस आर माइनस टू, मीनिंग टू क्यू इक्वल टू पी प्लस आर, ऐसा तभी होगा। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए पी जी पी एच पी, इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर इन ए पी। हाउ इजी इट इज, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, लिखो, आर यू एंजॉइंग योर नॉट, यस लिखो। NDA 2004 followed by 15 कम नहीं है क्वेश्चन अपने आप में। सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 107 एंड 253 विच आर डिविजिबल बाय 5 इज NDA 2005। अब आप जरा सोचो यार, आप इसको कर सकते नहीं कर सकते, मुझे 100% यकीन है आप इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा। सच नंबर्स आर 110 115 120 एंड लास्ट इज 250। आप इसका सम पता कर लो एंड आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिएगा, आपका आंसर क्या होगा देखें, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है। आई एम श्योर यू विल डू इट सर्टनली, आई एम सरप्राइज आ रही, इतना इजी एनडीए में कैसे दे दिया होगा, आपके ऊपर कभी कभी रहम कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। लिखो इसको, कितना मजेदार। ए आई ई 2004 एंड फॉलोड बाई एनडीए 2016 में सवाल आया था फॉर एन ए पी, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी एंड इट्स टी एम इज 1/n एंड टी एन इज 1/m, देन ए माइनस डी कितना होगा, यानी m तो टर्म 1/n, nth टर्म 1/n, a माइनस डी कितना। आई एम श्योर यू विल डू इट। आप क्या करना, हिंट दे दूं आपको, या करना चाहते हैं मैं करूं, अगर इसको मैं करूं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपको मिला 1/n, इसको यूज किया है इसको, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m मिला। अब आपको इनको सोल्व करना, a और d का वैल्यू पता करेंगे, जब आप 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 में से 2 a खत्म हो जाएगा, आपको d मिलेगा 1/mn, ठीक है। और पुटिंग इट इन वन आपको a मिलेगा 1/mn, ट्राई करना। तो अब आपको लगेगा देयरफॉर a माइनस डी मस्ट बी हाउ मच, दिस माइनस दिस आपका आंसर होना चाहिए 0, ऑप्शन a विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ऐसा कुछ दे रखा है, तो हाउ टू फाइंड a एंड d, गिवन फॉर्मूला लगा दो, a और d मालूम कर लो, फिर a में से d माइनस कर लो। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा होगा, लग रहा है कि और कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है। इसको नोट करो, अपने दोस्तों को भी बताते रहो, लिख लो इसको।
क्वेश्चन 20, इफ ए बी सी आर इन एपी एंड मोड ए मोड बी मोड सी लेस देन वन है, एक्स इज 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, वाई 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, जेड 1 प्लस सी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, देन एक्स वाई जेड आर इन एपी जीपीएच पे। ठीक है, करो आप कोशिश, करो करना है, वेरी गुड। चलिए भाई पीछे बच्चे कर सकते हैं आप, यस करो, देखें स्टार्ट करो। सो मैं वहां पर लिख दूं एक्स क्या होगा, दिस इज जी पी, दिस इज जी पी सम टू इन्फिनिटी, दैट इज एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए बाई वन माइनस आर एन वन बाई वन माइनस ए, वाई ऑल्सो जी पी वन बाई वन माइनस बी, इसका कॉमन रेशियो बी है, इसका कॉमन रेशियो है, एंड जेड इक्वल टू हमारा वन बाई वन माइनस सी है। ओके, क्योंकि सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जी पी इज ए बाई वन माइनस आर, ए इज फर्स्ट टर्म, वो आर कॉमन रेशियो, या फर्स्ट टर्म सभी के वन है। ओके, अब यहां पे शुरू करते हैं, आपको हमें देखना है कि वो ये और ये किस में, आपको क्या दिया ए बी सी जी ए पी में, ए बी सी इन ए पी। ओके, अब ऐसा लाना है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, वो भी ए पी में, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन, ए पी में किसी भी टर्म्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँ, ए पी ही रहेगी। अब मैं सभी में वन ऐड करूँगा, इम्प्लाइज दैट वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी, वो भी ए पी में। अब हमारे पास वन बाई है, तो देन इनके रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई वन माइनस ए वन बाई वन माइनस बी वन बाई वन माइनस सी, ये किस में होंगे, रेसिप्रोकल है, दे विल बी इन एच पी, ए पी का रेसिप्रोकल एच पी होता है। सो आपका आंसर सी एच पी, मजेदार आया, समझ गए, करो लगे रहो, मैं बोलूँगा आप यहाँ तक सीमित रहना, आप बहुत सारी बुक्स पढ़िएगा, गो फॉर एटलीस्ट 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, कम से कम 100 सवाल आप करेंगे, आपकी स्पीड और बढ़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पर सीमित नहीं रहना, स्काई मस्ट बी योर लिमिट, स्काई मस्ट बी योर लिमिट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्काई मस्ट बी योर लिमिट। ठीक है, ये तो मैंने कुछ एफर्ट लगा के आपका कंसेप्ट क्लियर किया, कंसेप्ट ही जाना, अब आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए, आपका दिमाग ऑटोमेटिक शार्प हो जाएगा। किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जाना जो आपको ये एग्जाम क्लियर करने से रोक सके। ओके, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज, एक जीपी के सारे टर्म्स, अब कितनी 2n प्लस 1 टर्म लेना है, उन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, n प्लस 1 पावर ऑफ nth टर्म वगैरह वगैरह, वगैरह सीधा ऑप्शन हो, ये मैं आपको कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आई विल सॉल्व सॉल्यूशन हियर फ्रॉम हियर। यानी मैं अगर शुरू करूँ एक जीपी, मान लो जीपी ए ए आर ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये सब हम करते हैं, सारी टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, इवन ए आर क्यूब भी कर दो, और करते करते 2n प्लस 1 टर्म वो क्या होगा बताइए, द लास्ट दैट विल बी ए आर का पावर 2n, 2n प्लस 1 टर्म, ये ध्यान रखना, ए 10 क्या होता है, ए आर का पावर 9 होता है, सो ए 2n प्लस 1 क्या होगा, दैट विल बी ए आर का पावर 2n प्लस 1 माइनस 1, यानी ए आर रेस टू 2n होगा। मीनिंग ये होगा, अभी आपको इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर दे, ए कितनी बार हो रहा है, देयर आर टोटल 2n प्लस 1 टर्म, तो ए का पावर 1 1 1 सारा ऐड हो रहा है, तो ए का पावर हो गया 2n प्लस 1। ओके, एंड आर कितना, आर सेकंड टर्म से आना शुरू हुआ है, आर सेकंड टर्म से आना शुरू हुआ है, तो आर का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2n तक करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कराऊंगा, ये क्या है, दिस इज सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो जैसे कोई बोलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आप 10 तक ऐड करें, तो आपका क्या आएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 आएगा ना, एक ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a का पावर 2n प्लस 1 और r का पावर 2n एंड फिर 2n प्लस 1 बाई 2, समझ में आया। ओके,
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नाउ आई कैन राइट, ये कितना हुआ, अब मैं लिखूंगा ए आर का एन हो गया, 12+1 पावर ऊपर ले जाऊंगा। अब थोड़ा आप देखेंगे ये कौन है, विच इज दिस टर्म, ये एन प्लस वन टर्म है, यानी मैं लिखूंगा ये एन प्लस वन टर्म है, एन प्लस वन टर्म है, ठीक है ना, एन प्लस वन टर्म अंदर ब्रैकेट में और उसका पावर 2n+1। थोड़ा ध्यान से देखिए, एन प्लस वन टर्म क्या है, ए आर पावर वन होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, जस्ट ए तो नहीं है, 2n+1 पावर ऑफ एन टर्म नहीं, एन पर ये 2n+1 पावर ऑफ n+1 टर्म। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी हमारा सही जवाब, सी है। हाउ इंटरेस्टिंग, एंड दिस वन देखने में लग रहा था, बट यहाँ थोड़ा ध्यान रखना आपको, यहाँ प्लस माइनस बच्चे मैंने देखा गलती करते हैं, ओके नोट कर लो, जेई मेंस एंड फॉलोड बाई एनडीए, इमीडिएटली अगले साल एनडीए वालों ने इस पेपर में से दे दिया, ठीक है ना। लिखो इसको फटाफट, नोट कर लो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, ओके। अगला सवाल एनडीए, पहले जेई मेंस 15 में पूछा गया था और एनडीए ने इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर पूछ लिया 2016 में। मैं बोल रहा हूं बच्चों आप इसको शुरू कीजिए, ए बी सी अगर एपी में है, सॉरी ए बी सी जीपी में है, एंड ए टू बी थ्री सी अगर एपी में है, कॉमन रेशियो जीपी का अगर आर है, और वो आर का मॉड्यूलस वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन वन, और कहा जाए तो 0 और 1 के बीच में आर का वैल्यू है, देन उसका आर क्या होगा, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिएगा जेई मेंस एनडीए, आप इसी का तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूं, अगर आप करना है तो कर लो, करना है, यस पीछे कुछ बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड, और आपका वेरी गुड, शाबाश पीछे वाले बच्चे, वेरी गुड, बहुत बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो मैं अगर लिख दूं जीपी में, एक काम करें ए बी सी अगर ये जीपी में है, तो मैं इसको लिखूंगा ए को, बी को ए आर लिख लूंगा, एंड इसको लिख दूं ए आर इसको, ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने, तो ए इक्वल टू ये हो गया और बी इक्वल टू ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हमारा जी, ए बी को ए आर ले लिया, सी को ए आर इसको, अगर कॉमन रेशियो हमारा आर है तो। फिर बोला है ए टू बी थ्री सी आर इन ए पी, मतलब अगेन आपको क्या बोला है, आपको बोला है ए टू बी थ्री सी आर इन ए पी, ये ए पी में है, ये ए पी में है, ठीक है ना। मीनिंग ये हुआ कि टू इंटू बी, आई विल राइट ए टू इंटू बी मीन्स आई विल राइट टू ए आर, और थ्री इंटू सी मीन्स थ्री ए आर स्क्वायर, ये एपी में है। अब एपी में होता तो क्या होता है, मिडिल वाले का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी मैं लिख दूं ए प्लस थ्री ए आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका डबल कर दो 4 ए आर हो गया। अब ए से डिवाइड कर दो और सारा चीज उधर ले लो, तो मैं लिखूंगा 3r² - 4r + 1 = 0। अब 3r² - 3r - r + 1 इक्वल टू, अगर आप 0 लिखेंगे तो आपका फैक्टर्स बनेगा 3r - 1 एंड आपका अगेन बनेगा r - 1 = 0। तो r की दो वैल्यू आ रही, 1 आ रही है एंड 1/3 आ रही है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है किताब वाला, क्वेश्चन वाला, कि r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना है, 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखना बट r इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या है, गिवन है, दिस इज गिवन, देयरफॉर आर इक्वल टू 1/3 मस्ट बी योर आंसर। ऑप्शन ए तो नहीं है यार, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिखो, लिख लो और पढ़ लो। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, कई बार बच्चे एक ए बी सी को एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसमें कई बार दो दो ऑप्शन करेक्ट आ जाते हैं, वो मत करना, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं आपको बताऊँ, आपको ट्राई करना तो कर लो, आप वीडियो को पॉज करके जस्ट ट्राई फॉर 2 मिनट्स कर लो।
किया होगा। अगर आपका सही है तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, अदरवाइज वीडियो को प्ले करके चेक कर लो। अब आप ध्यान रखना, यहां पे अर्थमेटिक मीन क्या है, ए बी सी का अर्थमेटिक मीन क्या, मैं अगर इसको ए ले लूं, ए इक्वल टू बी ए, ओके। व्हाट इज हार्मोनिक मीन, एच क्या है ए और सी के बीच में, दैट इज टू ए सी बाई ए प्लस सी, ठीक है। अब आपको पता है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, तो बी कौन है, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कौन है, टू ए सी बाई ए प्लस सी। ए एंड सी पॉजिटिव है तो दोनों तरफ ए प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू ए प्लस सी टू ए सी, आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू ए सी। ऑप्शन ए तो नहीं है, बी में तो छोटा नहीं है, सी भी नहीं है, डी ओके, ऑप्शन डी करेक्ट, सही जवाब। अगले राउंड में पहुंच गए आप लोग, तो जीत के बहुत बड़ी धनराशि, क्या करेंगे इतनी धनराशि का, जनित में लगाएंगे, वेरी गुड। चलिए तो फिर अगला राउंड खेलते हैं। क्वेश्चन 24 आप देखिएगा, इन ए जीपी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 12, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। इफ द टर्म्स ऑफ द जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए आई ई ई ई 2008 फॉलोड बाई वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेरी फेमस वी आई टी 2010। काफ़ी अच्छा सवाल, और दूसरी बात, दूसरी अच्छी बात यह कि आप इसको कर सकते हैं। अब आप इस स्टेज में या इस लेवल में पहुंच गए हैं कि आपको ये क्वेश्चन अब हलवा लग रहे, हलवा, कुछ करना नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आपको करना है, वीडियो को पॉज करके करो, करो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी प्ले कीजिएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो मैं करूँगा, आपको दिया हुआ फर्स्ट टू टर्म, एक टर्म ए ए तो दूसरी टर्म सेकंड टर्म ए आर है, वो दे दिया आपका 12, क्योंकि टर्म होता है ए आर इसका ऐसा होता है ना। अब मैं इसको ए अगर कॉमन ले लूँ, इफ आई टेक ए कॉमन, कोई समस्या नहीं है, 1 + r = 12 हो गया, नंबर दे दिया 1 1। उसके बाद ये बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म बोले तो ए 3 + a 4 वो कितना 48 है, ए 3 बोले तो ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब वो 48, ठीक है, बिल्कुल आसान। इफ यू टेक ए आर स्क्वायर कॉमन, आपको मिला 1 + r = 48, नंबर मिल गया 2। व्हाट विल यू डू नाउ, अब आपको 2 को 1 से डिवाइड करो, ब्रैकेट दोनों का सेम है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 यू गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 48/12 4। तो इसका मतलब क्या, अच्छा दूसरी ये टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर फॉर कॉमन रेशियो नेगेटिव है, तो आर इक्वल टू +-2, ठीक है ना, बट टर्म्स ये लिखना, टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो आर इज आर इक्वल टू -2, आर विल मस्ट बी नेगेटिव। अब आर का वैल्यू फ्रॉम वन आपको मिला ए 1 - 2 = 12, तो आपका ए का वैल्यू -2 मिल गया, आपको फर्स्ट टर्म -12 है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। ओके, वीडियो को बच्चों लाइक करते रहना, कमेंट भी अच्छे अच्छे लिखते रहना, बढ़िया, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहना है, ऑनलाइन आपके लिए काफी यूजफुल होगा ये। जे एडवांस 2014, थ्री पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, बी वेरी वेरी कॉशियस, इंक्रीजिंग जीपी, इफ द मिडल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड, देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी, मिडिल टर्म को अगर डबल कर दिया तो नए नंबर एपी में बनेंगे, तो उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इंक्रीजिंग जीपी में ध्यान रखना, इंक्रीजिंग जीपी है तो उसके लिए हमें क्या होगा, आर जो है 1 से बड़ा होगा,
कॉमन रेशियो वन से बड़ा होगा, अगर कॉमन रेशियो सपोज वन से छोटा, वन बाई थ्री है, तो आपका नंबर घटते जाएंगे, डिक्रीजिंग है, तो आर विल बी लेस देन वन, ये ध्यान रख। तो अभी हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, कॉमन रेशियो दो वैल्यू अगर आती है वन से छोटी तो उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक। अब तीन नंबर अगर ए जीपी में है तो लेट नंबर्स बी ए आर ए आर स्क्वायर, बस खत्म काम, ठीक है। फिर क्या बोला, ये तीनों नंबर जीपी में, इफ द मिडल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड, तो न्यू नंबर्स, न्यू नंबर्स क्या होगा, न्यू नंबर्स क्या होगा आपका, इसको डबल करेंगे ए टू ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ये अभी इन एपी, ये एपी में, अब एपी में, तो मतलब क्या होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू टू इंटू मिडल वाला, मतलब ये हो गया मैं आपको ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू दिस टू इंटू टू ए आर, ये आपको समझ में आ गया। दोनों तरफ से आप ए से डिवाइड करेंगे, एक तरफ ले लो, क्वाड्रेटिक बनेगा, तो आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप आर का वैल्यू अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल है बिकॉज इसका रूट इरेशनल आएगा, सो माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी बोले तो फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इज सिक्सटीन माइनस फोर बाई टू। मैं फिर वापस करता हूँ, दिस इज फोर प्लस माइनस, इट विल बी ट्वेल्व, ट्वेल्व को मैं लिखता हूँ टू रूट थ्री, ओके, एंड बाई टू, जब आप इसको करेंगे तो दिस इज टू प्लस माइनस रूट थ्री। अब टू प्लस माइनस रूट थ्री में मीनिंग ये हुआ आपका आर का वैल्यू या तो टू प्लस रूट थ्री आएगा या टू माइनस रूट थ्री आएगा, परंतु रूट थ्री का वैल्यू वन से कम, 1.7 होता है, 1.7, तो मत आप लिखना टू माइनस रूट थ्री इज लेस देन वन, सो आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन, देयर फोर हमारा आर आएगा, या मैंने आई कैन राइट देयर फोर आर इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री इज आवर आंसर। ऑप्शन तो ए में नहीं है, बी, बी इज आवर आंसर, बी हमारा आंसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।